कि सर आप एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से हो, तो अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सर बता दीजिए आप सबसे पहले। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं प्रियल मैम और अंकित सर और आपके सारी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग एजुकेशन के एरिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसके लिए आप बधाई के पात्र हो। तो आपने मेरे से पूछा कि बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपको बता देता हूँ कि बहुत ही साधारण परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे मम्मी जो हैं वो हाउसवाइफ हैं और पिताजी जो हैं वो पुलिस में हैं। ठीक है, तो बचपन जो है वो मेरा गाँव में ही बीता है, खेतीबाड़ी करते हुए बीता है, दादाजी वगैरह की सबकी हेल्प करते हुए। तो जो एग्रीकल्चर का जो खेतों जो सारा काम वो मैंने किया हुआ है। उसके बाद मेरी प्रारंभिक जो स्कूलिंग थी वो भी गांव से थी। उसके बाद जब पिताजी का ट्रांसफर हुआ तो मैंने मेरी जो टेंथ और ट्वेल्थ जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुई है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इतना कोई मेरिटोरियस स्टूडेंट नहीं था, बिल्कुल ऑन एवरेज स्टूडेंट था आप ही की तरह। और आपको ये बताता हूँ कि ऑन एवरेज स्टूडेंट वो सब कुछ कर सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि टेंथ में जो थी मेरे 70% थे और ट्वेल्थ में मेरे 65% थे, कोई बहुत ज़्यादा प्रतिशत नहीं थे। हाँ जी सर, देखिए सर ने बताया कि ये एक बहुत ही इन्होंने दादाजी के साथ में गांव में अपनी लाइफ को शुरू किया, जो टेंथ और जो ट्वेल्थ का इन्होंने जो अपना एजुकेशन है वो गांव में ही पूरा किया। आप में से जितने भी अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, मैक्सिमम आप लोग सोच पा रहे होंगे अभी, फील कर रहे होंगे कि हाँ जी सर, हम भी गाँव में हैं, हम भी मम्मी पापा दादाजी के साथ रहते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, एग्रीकल्चर का ही बहुत सारे लोग काम करते होंगे खेतों में। भैया वहीं से आप लोग देखो, कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में ये सब होना चाहिए तभी मैं करूंगा, ये मेरे बहाने हैं, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। अरे भैया थोड़ा सा एक नेट पैक चाहिए, उसके बाद में हम लोग सारी की सारी आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, हर एक चीज आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो सर से इंस्पायर होना है आप सभी लोगों को, कैसे उन्होंने एक नॉर्मल सी फैमिली से निकल के सारे के सारे काम करते हुए गाँव से निकल के, और कैसे सर ने राष्ट्रपति अवार्ड तक और जो अपनी PNB बैंक हो गया, एग्रीकल्चर ऑफिसर, इतनी सारी उपलब्धियां हासिल करी हैं। तो उनके लिए आप लोग ऐसे ही इंस्पायर होंगे सर से, ठीक है। तो आइए अपन लोग जानते हैं सर कि सर आपने एग्रीकल्चर की जो डिग्री आपने प्राप्त करी है तो वो सर कहाँ से करी है और उसकी प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में सर थोड़ा सा अपने स्टूडेंट्स को बता दीजिए। जी बिल्कुल, आज से 6 या 7 साल पहले YouTube वगैरह का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था। आज तो बहुत ज़्यादा संसाधन मिल गए हैं कि आपको कुछ भी चीज़ के, किसी भी चीज़ के बारे में प्रॉब्लम हो, आपके कोई भी नॉलेज लेना चाहते हो, आप YouTube खोलो, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, आपको चैनल पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन आज से 5 या 6 साल पहले इतना ज़्यादा कुछ इन चीज़ों का क्रेज़ था नहीं। और मैंने बताया कि वो साधारण परिवार से हूँ, तो पिताजी को भी इतना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी कि एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाई भी होती है, क्या फिर ऐसी कोई डिग्री भी होती है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, बायोलॉजी का स्टूडेंट था, हर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहता है। तो मैंने भी 1 साल PMT की तैयारी की लेकिन हुआ नहीं। आप लोगों को देख के ये इतना जो इंट्रोडक्शन देख के लग रहा होगा कि सर ने हर एक मुकाम पे सफलता हासिल की है, कहीं इनमें असफलता नहीं थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर इंसान जो होता है वो असफल भी होता है, और असफल होने के बावजूद ही वो सफलता के लिए पहुँचता है। ठीक है, तो मैं भी असफल हुआ, मन में निराशा थी कि कुछ एक पॉइंट से रह गया, हो नहीं पाया, डॉक्टर नहीं बन पाया। लेकिन साथ में ICR का एक एग्जाम होता है, वो मैंने क्वालिफाई किया, उसमें अच्छी रैंक थी, ऑल इंडिया 190 रैंक थी। तो फिर मैंने हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो ऑल इंडिया में 3rd रैंक पे आती है, वहाँ पे एडमिशन लिया। अब उस टाइम समय तक ये चीज़ें पता नहीं थी कि भाई एग्रीकल्चर में किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, एडमिशन ले लिया, कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये चीज़ें देखने के लिए बाहर गया, सबसे पहली बार घर से बाहर निकला तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जो कुछ भी हूँ आज जो कुछ भी हूँ, सबको अपने गुरुजनों की जो अच्छी राय थी और उनके द्वारा जो मार्गदर्शन, सही समय पर सही मार्गदर्शन किया गया, उन्हीं के द्वारा था, और इसीलिए मैं आज इस मुकाम पे पहुंच पाया हूं। अच्छा जी, चलो देखो आपने जाना सर से कि सर ने अपने बारे में बताया कि भाई पहले तो इतने साधन नहीं हुआ करते थे कि क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। तो सारी चीज़ें जैसे अभी तो YouTube पे आपको हर चीज़ मिल जाती है, तो इसका फ़ायदा उठाया करो भैया, ठीक है। और जैसे कि सर ने अपन को अभी बताया कि असफलता आती रहती है, देखो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एक एग्ज़ाम दिया 0.1 या फिर 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, जितने से भी आप लोग रहे होंगे एग्ज़ाम में, अपने क्लियर नहीं हुआ कोई कारण,
हो गया, तो डीमोटिवेट नहीं होना है। देखो असफलता है जो वो आती जाती रहती है भैया, और सफलता जो आती है ना उसका मजा जो आता है, रियल टेस्ट जो आता है ना, वो भी जब एक बारी असफल हो जाओ ना आप, उसके बाद ही आता है। तो देखो सर ने ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने सिर्फ इतनी सारी चीज़ें आप लोग हम बता रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि भाई सर को तो सिर्फ गॉड गिफ्टेड चीज़ें मिल रही हैं, ये तो सिर्फ सक्सेस मिल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसके पीछे इनका स्ट्रगल है, इनकी मेहनत है। इन्होंने बहुत सारी भाई एग्जाम्स में भाई बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स भी दिए जिनमें क्वालिफाइड नहीं हुए, रह गए, डीमोटिवेट हुए, थोड़ा नर्वस हो गए, लेकिन उन्हीं सबसे उभरने के बाद में देखो क्या क्या सर की लाइफ में नई नई चीज़ें आई हैं। तो देखो सर ने क्या करा है, सर आपने बहुत ही अलग अलग क्षेत्रों में जैसे काम करा है, भले ही वो स्पोर्ट्स हो, समाज सेवा हो, मॉनिटरिंग हो, ये सारी की सारे जो फील्ड हैं सर ने कोई फील्ड नहीं छोड़ रखा है, ठीक है, एक्चुअली सारे फील्ड में सर ने काम कर रखा है। तो सर इसके बारे में हम लोग आपसे जानना चाहेंगे, जैसे सबसे पहले तो जो सर आपने नेशनल सर्विस स्कीम NSS जो होती है उसमें भी काम करा है, उसमें भी अपनी सेवा, सर उसके बारे में थोड़ा सा अपने स्टूडेंट्स को बताइए ताकि वो भी जाने भाई क्या होता है अपने कॉलेज में, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट ईयर में गए थे उसमें क्या अपन ने करा था NSS वगैरह में, वो सब चीजें शेयर कीजिए सर। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक चीज़ बोलूँगा कि भाई एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, हो सकता है कि इससे कुछ आपको सीखने को मिले, ठीक है। इसमें अपन हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, मेरी लाइफ के बारे में बताऊँगा, स्ट्रगल के बारे में बताऊँगा, और उसके बाद में एग्जाम्स के बारे में बताऊँगा भी एग्जाम किस तरीके से अपने क्लियर किए, ठीक है। आपने NSS के बारे में पूछा तो कॉलेज में क्या होता है कि NCC को सभी जानते होते हैं कि नेशनल कैडेट कोर्प होती है, NCC होती है, लेकिन उसके साथ एक NSS भी होती है, नेशनल सर्विस स्कीम, जिसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 24 सितंबर 1969 को की गई थी, ठीक है। और वो की गई थी, महात्मा गांधी जी का एक सपना था कि जब तक गांव विकसित नहीं होंगे तब तक गांव, अगर गांव विकसित नहीं हो तब तक देश विकसित नहीं हो सकता। तो समाज सेवा के क्षेत्र से अपने यूथ को जोड़ने के लिए, अगर युवा समाज सेवा से जुड़ गया तो देश परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपन जो अर्ली एज में जो चीजें अपन सीख लेते हैं वही आगे फिर अपन आगे कैरी करते हैं, वही आगे अपन उन्हीं चीजों को आगे अपन बढ़ाते होते हैं। तो इसलिए इस चीज की शुरुआत की गई और कंपल्सरी था कि या तो NCC करो या NSS करो। तो मैंने NSS ज्वाइन किया, धीरे धीरे शुरू में ऐसा लगता था कि यार क्या चीज है, मतलब क्या समाज सेवा इस तरीके से, लेकिन जब धीरे धीरे इनमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार ब्लड डोनेट किया, तो डोनेट करके ऐसे बहुत अच्छा सा फील हुआ। रिलीज वगैरह ऑर्गेनाइज करते धीरे धीरे इन चीजों में, जब देखते कि अपने कुछ काम करने से, जैसे अपने प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन में किसी के घर पे जाके अपन ड्रॉप ला के आ रहे हैं, तो उनकी तरफ से जो थैंक यू मिलता है और उनके जो चेहरे पे स्माइल होती है उनसे दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो इन चीजों यही चीजें आगे से आगे फिर समाज सेवा के क्षेत्र में आगे काम करने के लिए प्रेरणा देती रही। तो फिर आगे हमने ब्लड डोनेशन कैंप खुद ने भी ऑर्गेनाइज करवाए, ट्री प्लांटेशन करवाए, रैलीज ऑर्गेनाइज की जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सबसे मेन था, ठीक है। ये चीजें थी, धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करते रहे, और जैसे जम्मू कश्मीर में फ्लड आई थी उसके लिए, उत्तराखंड में फ्लड आई थी, तो उनके लिए हालांकि इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे जो छोटा छोटा हम कर सकते थे, हॉस्टल हॉस्टल घूम के, हर रूम घूम के 10-20 इकट्ठा करते और जो भी जितने भी अमाउंट होती वो भेजते, तो बहुत अच्छा फील होता इन चीजों में। और आगे मतलब कि इन चीजों से प्रेरणा मिली, फिर धीरे 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 इस एरिया में आगे बढ़ते गए, देखा कि समाज में बहुत सारी कुरूतियां हैं, उनको दूर करना जरूरी है, किसी न किसी को तो इन चीजों को दूर करना ही पड़ेगा अगर सभी अपने बारे में सोचने लग जाएं तो, क्योंकि समाज जो है इसने अपने को बहुत कुछ दिया है, अपन जो कुछ भी, अपना नाम है, अपना जो कुछ भी है, वो सब कुछ समाज की वजह से ही है। तो अपने को समाज को भी वापस कुछ ना कुछ देना चाहिए, ठीक है। मैं नहीं, आप लोगों को ये नहीं बोल रहा कि आप मेरी तरह अभी से सब कुछ दो, सबसे पहले अपने पैरों पे खड़ा होना भी जरूरी है, ठीक है। उसके लिए अपने माता पिता का सपना है उसको पूरा करो, गवर्नमेंट जॉब हासिल करो, या जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हो वो उस क्षेत्र में आप अपने तन मन से काम करो, बिल्कुल मन लगा के काम करो, आपको सफलता मिलेगी। सबसे पहले आप अपने पैरों पर खड़े हो, अपने माता पिता का सपना करो, और उसके बाद आप समाज के लिए भी कुछ करो। जरूरी नहीं कि अपन धन से ही समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, पैसे नहीं होते और कॉलेज लाइफ में किसके पास इतने पैसे थे, लेकिन आप अपना थोड़ा समय निकाल सकते हो। समय में आप हर साल 5 ट्री जो है वो प्लांटेशन कर सकते हो, आप साल में 1 या 2 बार ब्लड डोनेट कर सकते हो। आपको पता होगा कि 1 यूनिट ब्लड डोनेट करने से 3 लोगों की लाइफ बच सकती है, ठीक है। और हर 3 महीने से अपन ब्लड डोनेट कर सकते हैं, साल में 4 बार कर सकते हैं। तो अगर साल में अपन 1 या 2 बार ब्लड डोनेट कर दिया तो वो भी एक समाज सेवा में है। तो हर चीज पैसों से नहीं होती, बिना पैसों के भी आप किसी भी प्रकार से आप सहयोग कर सकते हो। और समाज से अपन ने जितना लिया उतना तो अपन कभी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अगर थोड़ा बहुत अपन कंट्रीब्यूशन कर दें तो अपने आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। क्योंकि आज अपने को जो संसाधन मिल रहे हैं, जो चीजें मिल रही हैं, फ्रेश एयर मिल रही है, पानी मिल रहा है, जो कुछ मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि अपने जो पूर्वज थे
उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया, उन्होंने इसको बचाने का काम किया, इसको बढ़ाने का काम किया, तभी अपने लिए है। अगर अपन इसमें अब आप काम नहीं करेंगे तो आगे वाले आने वाली पीढ़ी को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल हाँ सर, देखो स्टूडेंट्स, आप सभी ने देखो सर जो है अपनी लाइफ में, भाई हमारा जो आज का मकसद है ना, आपको मोटिवेट करना लाइफ के हर एक फील्ड में। भाई एजुकेशन की बातें तो होती, पढ़ाई से रिलेटेड, आपकी एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें डाउट क्लियर करवाएंगे सर से। जब लास्ट में आप लोगों का लाइव सेशन, जैसे आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग पूछेंगे, एग्जाम कैसे क्लियर की जाती है या फिर क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं सर। जैसे आप लोगों का क्वेश्चन रहता है ना कि सर मैं तो उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ, इस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो कैसे करना है ये सब एक ही टाइम में, मतलब मोर देन 2, 3, 4 जितने भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो सर वो सारे काम कैसे करते हो एक साथ, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को आज सीखने को मिलेंगी, ठीक है। लेकिन देखो मेन बात ये होता है पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें, बाकी सभी भी आप चीज़ें जैसे सीखोगे सर से। इन्होंने टी प्लांटेशन वगैरह का बताया आप लोगों से, ट्री प्लांटेशन सॉरी, पेड़ वगैरह लगाने चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं भाई, क्योंकि इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान इन्होंने दिया है अपना। तो वैसे ही आप भी सीखो, देश की सेवा जो है वो आर्मी और इन्हीं में जाने से नहीं होती, ये तो अपने देश की सेवा सबसे पहले करते ही हैं, अपनी जो आर्मी होती है, अपनी जो फोर्स होती है, ठीक है। लेकिन आप लोग खुद से भी बहुत सारे काम कर सकते हो, जहां भी हो कचरा ना फैलाना, बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बाकी इन पर कम बात करेंगे अपन, पढ़ाई से रिलेटेड अपन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देंगे। देखो सर की लाइफ में बहुत सारे उन्होंने बहुत सी फील्ड में, अलग अलग फील्ड में गए हैं, ताकि अपन भी सीखे ना कि सर वहां से वहां तक कैसे जाया जाए अगर मैं करना चाहूं। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स भी इस टाइम अपने साथ जुड़े हुए हैं, वो सोचते होंगे मैं भी ऐसे काम। आप लोग सोचते होंगे कि सर मैं भी इतना आगे तक जाऊं या फिर ये सारी चीज़ें मैं करूं अपनी फील्ड में, तो वही सारी जो चीज़ें हैं वो आज अपन सर से शेयर करेंगे। तो सर सबसे पहले जैसे आपने रिपब्लिक डे जो परेड होती है अपनी राजपथ पे, उस पर भी सर ने पार्टिसिपेट करा है सर, वहाँ पे गए हैं, जो अपने PM, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उन सभी से मिले हैं, तो वो वाला एक्सपीरियंस सर अपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कीजिए, बताइए कुछ उसके बारे में। बिल्कुल सर, वो एक सबका सपना होता है कि जो 26 जनवरी को जो परेड होती है राजपथ पे, तो अपन जब अपन देखते होते हैं टीवी पे, जब बच्चे थे टीवी पे देखते थे तो इतना अच्छा लगता था, तो वहाँ पे चलना तो वो बहुत एक प्राउड मोमेंट है। तो वो मुझे सौभाग्य से ये मिला, मार्गदर्शन से मिला। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे सर ने अभी कहा कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स की ये होती है, ये क्वेश्चन होता है कि भाई मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, मैं जैसे कोई भी एग्जाम ले लो, मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, मैं SSC की भी करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, मैं CGIL की कर सकता हूँ, CHSL की कर सकता हूँ, क्या मैं DRDO की कर सकता हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सबसे पहले तो ये जो आपके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं कि मैं इसकी कर सकता हूँ, इसकी नहीं कर सकता, ये करना चाहता हूँ, दिमाग से निकाल दें, बिल्कुल भी निकाल दें, क्योंकि नेगेटिविटी अगर दिमाग में रहेगी तो अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस नेगेटिव थिंग को आप बाहर निकालो, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल कुछ भी कर सकता है। ऐसे मुकाम हैं जो अपन कभी सोच भी नहीं सकते थे, माउंट एवरेस्ट कभी चढ़ना किसी ने सोचा था कि इतनी ऊंचाई पर कोई जा सकता है, चांद पर कोई जा सकता है क्या, जाए अपने जैसे लोग ही पहुँचे हैं, ठीक है, मंगल ग्रह पर पहुँचे, तो इन चीज़ों को आप छोड़ दो। दूसरी चीज़ आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूं कि हर एक एग्जाम में आप ये देख लो कि मैथ है तो मैथमेटिक्स में 20 टॉपिक हैं, फिक्स 20 टॉपिक हैं, रीजनिंग है, रीजनिंग में 20 टॉपिक हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे बैंक का एग्जाम है तो 15 उसमें कोई 1 से 15 टॉपिक आ गए, 5 कोई छोड़ देगा एग्जामिनर, ठीक है। अब CGL पर जाएंगे तो कोई शुरू के 5 छोड़ देगा, लास्ट के 5 पकड़ लेगा, टॉपिक 20 ही हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो बैंकिंग में जो मैथमेटिक्स आती है वो 10th लेवल तक किया जाती है, CGL में जो आती है उसमें एडवांस पोर्शन और जुड़ जाता है, बेसिक आती है लेकिन उसमें एडवांस और जुड़ जाता है। तो ये चीज़ें आप छोड़ो कि मैं कौन सी एग्जाम कर सकता हूँ और कौन सी नहीं कर सकता, आप हर एक के फॉर्म भरिए, हर एक की आप तैयारी करिए। आपको क्या करना है, टॉपिक 20 ही तो कवर करने हैं, जो टॉपिक हैं आप उस जब भी पढ़ रहे हो उसको इस तरीके से तैयार कीजिए कि उससे उसमें से आपको कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि आप वो गलत नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज़, किसी में एक सब्जेक्ट कम हो जाता है, किसी में ज़्यादा, दूसरा स्टूडेंट्स का ये रहता है कि भाई मेरी इंग्लिश वीक है, ठीक है, तो सर मैं क्या करूँ, इंग्लिश वीक है मेरा तो हो नहीं सकता। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सबकी कुछ ना कुछ वीक होती है, सब कोई ऐसा परफेक्ट नहीं होता, कुछ एक होते हैं, बाकी जो ऑन एवरेज जो 80% जो सिलेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें कुछ ना कुछ वीक होती है। लेकिन अगर आपकी एक चीज़ वीक है, इंग्लिश वीक है, तो आप दूसरे टॉपिक को इतना इम्प्रूव कर लो, आपका रीजनिंग अच्छी है तो रीजनिंग को इतना इम्प्रूव कर लो कि रीजनिंग में कुछ भी आपके
छूटे ना कुछ, छूटे नहीं कुछ, मतलब कि आप मतलब कि उसमें मार्क्स कटे नहीं, कटे नहीं। अगर आपके मैथ अच्छी है तो आप मैथ को इतना इंप्रूव कर लो कि उसमें से कुछ, तो जो इंग्लिश की जो जो आप वीक हो तो उसकी भरपाई आपका दूसरा सब्जेक्ट कर देगा, ठीक है। क्योंकि कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसकी 100% जो है वो कट ऑफ जाती होती है, कट ऑफ 50-60-70 जानी है, 30% तो फिर भी रहनी है, ठीक है। तो आप 4 में से 3 सब्जेक्ट परफेक्ट कर लिए, एक वीक है तो भी उस वीक की आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इन चीजों को आप छोड़िए कि भाई मेरा ये वीक है मैं नहीं कर सकता, मैं किन चीजों की करूँ। आप बस ये है कि जो टॉपिक आप जिस समय जो पढ़ रहे हो उसको इतना परफेक्ट बना लीजिए कि भाई आगे उसके लिए कुछ नहीं है। क्योंकि हर एक एग्जाम में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो कुछ भी कर सकते हो। मैंने 2016 में IBPS में एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम निकाला था, उस समय मैंने तैयारी की थी, ठीक है। उसके बाद अभी 2019 में मैंने जो IBPS के द्वारा है RRB स्केल 2 ये निकाला है, लेकिन मैंने दोबारा से तैयारी नहीं की है। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैथ और रीजनिंग मैंने दोबारा से नहीं पढ़ी है, जो कॉन्सेप्ट मेरे पहले क्लियर थे उन्हीं कॉन्सेप्ट बेस पे ये हो गया, ठीक है। हालांकि मैं खुद स्टूडेंट्स को अभी भी पढ़ाता हूँ तो वो चीज़ें हैं कि उसका थोड़ा सा एडवांटेज रहता है मेरे को कि वो रिवाइज होती रहती हैं, जैसे बैंकिंग है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, कंप्यूटर वगैरह जो मैं पढ़ाता हूँ वो होता रहता है, ठीक है। लेकिन आपके अगर कॉन्सेप्ट के लिए तो आपके हर एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। अब दूसरा आपका सवाल यह था कि भाई रिपब्लिक डे परेड के रिगार्डिंग, तो रिपब्लिक डे परेड का मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि जब रिपब्लिक डे परेड होती है तो उसमें जो लास्ट टुकड़ी चलती है वो NSS की चलती है, ठीक है। NCC की, आर्मी, NCC पुलिस वगैरह की, CRPF, ITBP सबकी चलती है, एक NSS की भी टुकड़ी चलती है। उसके लिए चयन प्रक्रिया ये होती है कि सबसे पहले कॉलेज लेवल पे होता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे चयन प्रक्रिया होती है, यूनिवर्सिटी लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सिलेक्ट होते हैं वो स्टेट लेवल पे आते हैं, स्टेट लेवल पे जो भी चयनित हो जाते हैं उनका एक 7 दिन का कैंप ऑर्गेनाइज करवाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, ठीक है। उस कैंप में पार्टिसिपेट करते हैं, वो ऑल इंडिया में 10 या 12 जगह चलता होता है, 4-4, 5-5 स्टेट्स का चलता है, उनमें से फिर रिपब्लिक डे परेड के लिए चयन होते हैं। तो उसमें आपका कल्चरल इवेंट्स भी देखी जाती है, आपकी परेड भी देखी जाती है, और जो रिपब्लिक डे परेड का जो एक महीना होता है वो एक कैंप नहीं होता, वो एक मिनी इंडिया होता है। मिनी इंडिया इसलिए होता है क्योंकि इसमें हर स्टेट से पार्टिसिपेशन होता है। फिक्स होता है कि 200 सीटें फिक्स है, 200 में से 100 गर्ल्स होंगी, 100 बॉयज होंगे, और उसमें से भी हर स्टेट से होंगे। तो वहाँ पे जब पूरे ऑल ओवर इंडिया के वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं और वो जब कल्चरल इवेंट्स होती है उनकी, उन्हीं के पहनावे में, उनके में, तो सब कुछ देखने को मिलता है, एक मिनी इंडिया होता है बहुत ही। और एक आर्मी पर्सन की तरह वो लाइफ जीने का मौका मिलता है, वही उन्हीं तरह सुबह 4 बजे उठना, राजपथ पे जाना, परेड करना, और शाम को 10 बजे तक कल्चरल इवेंट चलना, 11 बजे सोना, फिर अगले दिन 4 बजे चलना। और आप 26 जनवरी को राजपथ पे चलते हो, प्राउड मोमेंट है, बहुत हेजिटेशन भी होती है, जैसे इंटरव्यू होता है, मैं आपको इंटरव्यू के लिए बता दूं, इतना इंटरव्यू मैंने फेस किए हैं, हर जगह इंटरव्यू देता हूँ, टीवी चैनलों पर देता हूँ, लेकिन जब हर बार अपन देने जाते हैं, एग्जाम हो चाहे कहीं भी देने जाते हो, तो मन में एक थोड़ा सा रहता है, हेजिटेशन रहता है, ठीक है। तो वहाँ इतना प्रेशर रहता है, प्रेशर इसलिए रहता है कि आपको पूरा देश देख रहा है, पूरा आपको देश देख रहा है, और आप देश के राष्ट्रपति को आप सलामी दे रहे हो और राष्ट्रपति आपको सलामी दे रहे हैं। बाहर से, दूसरे देश से, कंट्री से जो VIPs आए हुए हैं वो आपको देख रहे हैं, तो बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है। और उसको जब हम वो राजपथ क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद भी बहुत अच्छा फील होता है, उसके बाद सेलिब्रेशन वगैरह होता है। देखो, तो आपने जाना सर से कि जैसे कितना प्राउड मोमेंट हुआ होगा इनको जब राजपथ पे इन्होंने परेड करी होगी। तो देखो, लाइफ से जुड़ी हुई हर एक चीज़ के बारे में हम जानना चाहेंगे सर से आज, जो जो इन्होंने करा है, ताकि आप भी मोटिवेट हों अपने अपने फील्ड में जो भी कर रहे हो। पढ़ाई सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है, जितनी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करोगे, जितना ज़्यादा मन लगा के करोगे, पहले खुद के पैरों पर खड़े हो, खुद को काबिल बनाओ, देन उसके बाद में आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें करनी है। भाई, फालतू टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कुछ अच्छा किया जाए, ठीक है। जितना भी टाइम होता है आपका, उसको अच्छे से यूज करो। जैसे सर ने बता दिया, अभी 1 से ज़्यादा एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, भाई वही लिमिटेड टॉपिक्स हैं, आप लोगों को उन्हीं की पढ़ाई करनी होती है, बार बार उन्हीं को देखना होता है, तो एक बारी में ही इतना अच्छे से देख लो ना उनको। देन उसके बाद में, जैसे सर ने बताया, इन्होंने 2016 में जो PNB वाला एग्रीकल्चर ऑफिसर वो एग्ज़ाम क्लियर करा था, फिर अभी 2019 आ गई है जब इन्होंने स्केल 2 पास करा है। तो देखो, ये बोल लें कि मैंने कोई खास तैयारी नहीं करी उस चीज़ के लिए, मैंने खास पढ़ाई नहीं करी, बस एक बार आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, देन उसके बाद में आपको बार बार उस चीज को करने की जरूरत नहीं रहती, आपके दिमाग में सारी की सारी चीजें बिल्ड होती जाएंगी अपने आप। और जैसे एक कोई भी छोटा जॉब भी लगे ना, उसके बाद में आप अपनी जिस भी फील्ड में जाना चाहो,
एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा आपका, एक तैयारी करने का जुनून आप लोगों का अलग होगा, सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं ना वो सारी आपके फेवर में जाएंगी और कहीं नहीं जाएंगी। चलो सर के इन्होंने और भी अलग अलग फील्ड में जैसे इन्होंने काम करा है, फील करी हैं चीज़ों को, वो अपन भी जानेंगे आज आप सभी का है कि भाई कैसे कैसे क्या होता है। जैसे सर ने माउंटेनरिंग जो होता है वहाँ भी पार्टिसिपेट करा है, उस फील्ड में भी बहुत इन्होंने काम करा है, तो सर उसके अनुभव जो है वो शेयर कीजिए, या फिर उनसे जो आपने वहाँ पर बातें चीज़ें जो फील करी उनसे आपने क्या सीखा, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आई, वो सब चीज़ें बताइए ताकि बच्चे भी इंस्पायर हो जाएं अपने। बिल्कुल, माउंटेनरिंग और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको डिसीजन मेकिंग सिखाती है। आपको इंस्टेंटली डिसीजन लेना होता है कि अब मेरे को अब क्या करना है। आप जो डिसीजन लेते हो उस पे आपका अगला कदम डिपेंड करता है कि आप जीतोगे या आप हारोगे। ठीक है, तो मानसिक, इसीलिए बोलते हैं ना कि मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है इसीलिए होता है क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो अपनी बढ़ती है, एबिलिटी बढ़ती है। तो सभी को कुछ ना कुछ पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई के साथ कुछ ना कुछ गेम जो है वो खेलने चाहिए। अगर घंटा भर अपन खेलेंगे तो ये नहीं है कि भाई अपने को उससे अपना टाइम खराब हो रहा है, उसकी वजह से अपना पूरा जो दिमाग वो फ्रेश होता है और अगले जो 20 घंटे हैं 22 घंटे वो बिल्कुल अच्छे से निकलते होते हैं। ठीक है, तो माउंटेनरिंग भी बचपन में देखा था, मूवीज में देखा था, लेकिन कभी मतलब जाने का मौका नहीं मिला। जब यूनिवर्सिटी में गए तो माउंटेनरिंग क्लब था, सुना कि भाई इस तरीके से कोई कैंप जा रहा है मनाली, तो हमने भी पार्टिसिपेशन कर लिया क्योंकि उस समय तक माउंटेनरिंग वहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में भी इतना प्रचलन में नहीं था। बनाओ काफ़ी समय हो गया था, यूनिवर्सिटी के इक्विपमेंट सब थे लेकिन लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे कि पता नहीं क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। हमने भी पार्टिसिपेट किया, मनाली से ऊपर हमें जाना था स्नो स्कीइंग के लिए, तो हमें ट्रैकिंग शुरू की। ठीक है, 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद हमें जाना था क्योंकि बर्फबारी थी, फरवरी का टाइम था, बर्फ थी तो रास्ते बिल्कुल ब्लॉक थे और वहाँ पे साधन नहीं जा सकते थे। तो सुबह चले थे और वो 10 किलोमीटर खाने के होते हैं, जब वो चलने लगते हैं तो शाम हो गई। अच्छा, शाम हो गई 5 बजे, पहाड़ों में अंधेरा हो गया, हम दो साथी थे आगे निकल गए। अच्छा, बाकी साथी हमारे पीछे रह गए, स्नोफॉल होने लग गया, बर्फबारी होने लग गई। अच्छा, फरवरी का महीना तो बर्फबारी होएगी। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमें जहाँ जाना था उससे पहले अपने को रुकना है। अच्छा जी, ठीक है। बाकी जने जो थे तो उन्होंने देखा कि दो तो रह गए, तो उन्होंने, अब पहाड़ों में क्या होता है कि जो कुछ एक होती है लाइफ लाइन होती है, जैसे टॉर्च वगैरह की लाइट दे के इशारा किया जाता है, तो वो पहले हमें बताया गया था कि इस तरीके अगर कुछ हो तो आपको यहाँ पे, तो उन्होंने टॉर्च वगैरह की लाइट दे के हमें बताया कि हम पीछे हैं, आपको वापस पीछे आना है। अब देखा तो पीछे जाने के दो रास्ते थे, एक सीधा शॉर्टकट हम जा सकते हैं, देखा थोड़ा गहरी खाई है, दूसरा लंबा रास्ता था, थक चुके थे, हमें सोचा तो गहरी खाई में कूद के जाते हैं क्या होगा। सबसे पहले मैं कूद गया, जब कूदा तो देखा कि अपने आप को, जब आंखें खुली तो देखा पूरा बर्फ तक हूं मैं, बर्फ के अंदर धस गया था, पूरा बर्फ तक हूं। इंस्टेंटली उसी टाइम ये डिसाइड करना था, क्योंकि मेरा साथी कूदने को तैयार था, मैंने उसको टॉर्च लाइट वगैरह दी, उसको भी मैंने बताया कि कुछ ना कुछ खतरा है, उसने देखा कि मैं बर्फ में हूं, फिर मैंने उसको बताया। तो उन्होंने क्या किया, जब माउंटेन में जाती है तो पीठ के पीछे 20-25 किलो का वजन होता है, तो उन्होंने पहले अपना बैग फेंका, थोड़ा हल्के हो गए, उसके बाद बैग के ऊपर कूदे तो वो उतना प्रॉपर नहीं धस पाए, इतना तक वो खुद बाहर निकले, फिर मेरे को बाहर निकाला। तो ये चीजें फिर बाद में पता लगा कि भाई जब आप माउंटेनरिंग में जाते हैं तो ये थोड़ा रिस्की होता है और इंस्टेंटली हर एक चीज को थोड़ा सा डिसाइड करना होता है उसके। उसके बाद माउंटेनरिंग में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे काम किया और कैंप्स को ऑर्गेनाइज भी किया, लीड किया, और सबसे बड़ा जो लीड था वो हमारा, हमने लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में CB14 पीक है, 6078 मीटर की है, 20068 फीट की होती है। ठीक है, वो पीक क्लाइम की, प्रॉपर पूरी नहीं कर पाए थे, 101 मीटर रह गए थे लास्ट का, लेकिन वो पीक क्लाइम की, तो कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला और देखा कि कितनी रश कंडीशन भी हो सकती है। ठीक, चलो देखो आप लोग, सर ने बताया अपने अनुभव शेयर करें कि भाई डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है ना वो इंसान में होनी चाहिए, और वो सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि पढ़ाई करने से ही सारी चीज़ें हो जाती हैं, जो किताबी ज्ञान है वही अपने लिए ज़्यादा ज़रूरी है। भाई वो तो ज़रूरी है ही है, आप लोगों को एग्ज़ाम क्लियर नहीं होंगे उसके बिना, लेकिन देखो सर से एक बात सीखो कि आपको डिसीजन मेकिंग पावर या फिर ऐसे जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, वो स्पोर्ट्स वगैरह या फिर कल्चरल एक्टिविटीज़, इन सभी में पार्टिसिपेट करने से आप लोग उनको सीखते हो चीज़ों को। तो आजकल तो इतनी सारी यूथ है फ़ोन में, सारा सुबह से लेकर शाम तक का टाइम फ़ोन में। भाई पढ़ाई फ़ोन से कर लिया करो, अच्छी बात है, लेकिन बाहर भी थोड़ा टाइम स्पेंड करा करो और चीज़ों को देखो। इस टाइम पे आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोचते होंगे, वो डिसाइड नहीं कर पाते चीज़ों को कि सर
अभी किसी चीज़ का फॉर्म निकला, मैं उसकी तैयारी करूँ, या फिर मेरे कॉलेज चल रहे हैं, मैं फर्स्ट ईयर बीएससी कर रहा हूँ, या फिर जो भी आप लोग डिग्री अपनी कर रहे हो, कि मैं उसमें ध्यान दूँ या फिर मैं इसकी तैयारी करूँ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कुछ। और मैं डिसाइड कब करता हूँ, जब मेरी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाती है और मेरा 20-25 दिन बाद एग्ज़ाम होता है, तब मैं डिसाइड करता हूँ कि अब मुझे तैयारी करनी है। तो भैया इतने सारे स्टूडेंट जो मन लगा के मेहनत कर रहे हैं, वही जाएंगे आपसे आगे। तो डिसीजन जो है ना, वो आप लोगों को क्या चीज़ करनी है, किस फील्ड में जाना है, अच्छे से मेहनत करनी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें पहले डिसाइड करो, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप लोगों को, अलग अलग चीज़ें, जैसे सर ने बताया भाई कैसे उन्होंने डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो ऐसे अलग अलग एक्टिविटी करने से उनमें डेवलप हुई है, उनका रिजल्ट भी देखो देखने को मिल रहा है, सर ने इतनी सारी उपलब्धियाँ हासिल करी हैं। तो हमारा मकसद यही है कि हर एक चीज़ से आप जो भी सर बोल रहे हैं ना, उस चीज़ से इंस्पायर हो, उससे नई नई चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं आप लोग सीखो। चलो सर की लाइफ के बारे में थोड़ा सा और अपन लोग जानते हैं। सर आपने स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है अपना, स्पोर्ट्स भी बहुत खेले, इंटरेस्ट भी रहा आपका, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे कॉलेज लाइफ में सभी का होता है भैया स्पोर्ट्स, और जितने भी हैं अपने स्टूडेंट, वो मैक्सिमम क्रिकेट वगैरह, कबड्डी, सबको पसंद होता है कुछ ना कुछ। तो सर से जानते हैं भाई, उनका कौन से स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, क्या चीज़ें खेलते थे वो, क्या नहीं। चलो सर बताइए, स्पोर्ट्स के बारे में बताइए आपको। बिल्कुल, जब कॉलेज में गए, जब इतनी अपॉर्चुनिटीज हासिल होने लगी, देखें कि स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी सुविधाएं जब यूनिवर्सिटी अपने को प्रोवाइड करवा रही है, गवर्नमेंट अपने को प्रोवाइड करवा रही है, तो उनमें भाग पार्टिसिपेट लेना चाहिए। धीरे धीरे, पहले कभी नहीं खेला था, कबड्डी वगैरह तो खेलते थे, लेकिन बास्केटबॉल कभी नहीं खेला था, यूनिवर्सिटी में जाने के बाद ही खेलना शुरू किया। तो कबड्डी और बास्केटबॉल में ऑल इंडिया लेवल पे इंटर यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनमें पार्टिसिपेट किया, उनमें कॉलेज का प्रतिनिधित्व किया, मेडल्स वगैरह भी आए, वो सारी चीज़ें थी। चलो देखो, सर ने स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा सर का योगदान रहा है। और देखो, लाइफ में एक चीज़ होता है प्राउड मोमेंट, मतलब कब कब आप प्राउड कर पाते हो। जैसे अभी आप लोगों की बात करूँ, तो जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर दोगे, तो वो आपकी और आपकी फैमिली के लिए प्राउड मोमेंट होगा। आपकी छाती जो एकदम से चौड़ी हो जाएगी, भैया ये लो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, आपके फैमिली, आपके पापा मम्मी, वो प्राउड करेंगे आप पे बहुत सारी चीज़ें। जैसे सबसे पहले मैं बताता हूँ, अपने पापा मम्मी को वो फीलिंग दिला दो बस एक बारी, कि किसी एक एग्जाम निकाला आपने, वो इतना ज्यादा प्राउड करेंगे आप पे जिसकी कोई हद नहीं है। बस वो वाला मोमेंट जी लो सारे के सारे अपनी लाइफ में। सर ने ऐसे बहुत सारे काम कर रखे हैं प्राउड मोमेंट वाले, भाई कोई अवार्ड वगैरह मिलना, जैसे सर को तो राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है, तो अवार्ड मिलना, कोई भी एक पुरस्कार आपको जब मिलता है तो सबसे अच्छी फीलिंग होती है, नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती है वो। तो सर आप अपने अवार्ड्स के बारे में बताइए कि कौन कौन से अवार्ड आपको मिल चुके हैं। बहुत सारे मिले हैं, कुछ सर मैन मैन अच्छे अच्छे अवार्ड हमें बता दीजिए, जो जो आपकी लाइफ में आपने, और वो फीलिंग बता दीजिए क्या होती है जब भी आप अवार्ड लेने गए, आपने सोचा कि आपकी फैमिली भी आपको देख रही है, आपके रिलेटिव सभी लोग देख रहे हैं, तो कैसी फीलिंग होती है, क्या क्या हुआ सर, अवार्ड्स के बारे में कुछ बताइए आप। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, वो तो बिल्कुल मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में। और अवार्ड अवार्ड होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबका अपना मायना होता है। और सभी अवार्ड जो होते हैं वो अपने को सिर्फ मोटिवेट करने के लिए होते हैं, ठीक है। हमें जरूरी नहीं कि भाई अवार्ड में अपने को कुछ कैश प्राइज मिले, या फिर अपने को कुछ इस तरीके से मिले, अपने को वो चीज़ें नहीं होती, सिर्फ अपने को मोटिवेट करने के लिए होती है। अपने को वो चीज़ें मोटिवेट करती है कि अपने को इसी फील्ड में आगे से आगे करना है। जब यूनिवर्सिटी में एनएसएस से जुड़े, एनएसएस में ब्लड डोनेट वगैरह किया, डोनेशन कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए, तो यूनिवर्सिटी कॉलेज की तरफ से अप्रिसिएशन अवार्ड से मिलना की शुरुआत हुई, अप्रिसिएशन अवार्ड मिला। जब धीरे धीरे हम यूनिवर्सिटी से इस काम को जब बाहर सिटी में ले गए, हिसार सिटी में लेके गए, रिकॉग्नाइजेशन होने लगी, न्यूज़पेपर्स में छपने लगा, यूनिवर्सिटी ने अवार्ड सम्मानित किया। जब बाहर पब्लिसिटी हुई, तो फिर एडीसी ऑफिस, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस, उनकी तरफ से कॉल आई कि भाई स्वच्छ भारत कैंपेन चल रही है, तो उसमें आप लोग जुड़ो और उसको पूरे मतलब कि डिस्ट्रिक्ट में आप उसको लेके जाओ, ऑर्गेनाइज वगैरह करवाओ। वहाँ से सम्मान मिला, राज्यपाल जो गवर्नर जो थे उस टाइम श्री जगन्नाथ जी पहाड़िया, उनकी तरफ से अवार्ड्स मिले। तो हर एक अवार्ड की अपनी एक अच्छी फीलिंग होती है, और बहुत ही अच्छा होता है, अपने को मोटिवेट करने के लिए होता है। तो बिल्कुल, आप जो भी काम करें, बस यही है कि आप जो भी काम करें ना, वो मन से करो, मन लगा के करो आप, और बिल्कुल सफलता आपको मिलेगी हर एक चीज में। और आपसे यही है कि आपके अगर कोई किसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, तो हम लास्ट में उनको भी डिस्कस करेंगे। आपके मन में अगर किसी भी प्रकार की कोई संदेह है कि भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ, ये नहीं हो पाता, या फिर इस फील्ड में मेरे को जाना है, मेरे को और क्या करना है, तो जितनी मेरी नॉलेज है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो लास्ट एक बार
जुड़े रहिए और अपन सारा डिस्कस करेंगे। हाँ जी देखो, सभी को जुड़े रहना है और एक बारी वीडियो को लाइक कर दो, सारे के सारे शेयर कर दो, ताकि आपके और भी जो फ्रेंड्स हैं वो सभी लोग देख सकें, इंस्पायर हो जाएं, थोड़ा मोटिवेशन आ जाए। अगर कुछ लोगों को भी सर मोटिवेट कर पाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, अपने पूरे चैनल, अपनी फैमिली के लिए, हमारा जो प्रियल मैम रीजनिंग जो एक परिवार है उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, प्राउड मोमेंट होगा भाई कि आप लोग मोटिवेट होके आपने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया और अच्छे मार्क्स लेके आए और अच्छे से सेलेक्ट हो रहे हो कहीं पे। ठीक है, तो देखो इसी क्रम में आगे अपन चलते हुए सर से जानेंगे, जैसे सर को राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो आप सभी भी सोच रहे होंगे, बहुतों के दिमाग में होगा कि सर बहुत बार सुन लिया, किस फील्ड में दिया जाता है, सर हम भी अगर मैं भी कुछ ऐसा करूँ कि मुझे भी मिल जाए, आप लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें आती हैं, तो सर से वो वाली चीज़ जानते हैं कि सर आपको जैसे राष्ट्रपति अवार्ड मिला तो किस फील्ड में दिया जाता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, कैसे कुछ होता है, वो सब बताइए। आपको जब अवार्ड मिला तो क्या आपने फील करा, वो सारी चीज़ें बताइए सर। बिल्कुल, देखो कोई भी अपन काम करते हैं, अपन काम करते हैं लेकिन उसके लिए उत्साह करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए रिकॉग्नाइजेशन भी कई बार देनी जरूरी होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सोचा कि जो समाज के क्षेत्र में जो एडोलिसेंट कैटेगरी 15 साल से 29 साल तक के युवा जो काम कर रहे हैं उनको अपन प्रोत्साहित करेंगे तो वो तो आगे जाके अपनी लाइफ में आगे से आगे समाज सेवा करेंगे, लेकिन उनको देख के जो आने वाली पीढ़ियां भी हैं वो भी मोटिवेट होगी, वो भी इस क्षेत्र में आएगी। समाज सेवा बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके लिए 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंडर में एक अवार्ड की स्थापना की, नेशनल यूथ अवार्ड, जो कि ऑल इंडिया में 25 लोगों को मिलता है समाज सेवा के क्षेत्र में जो काम करते होते हैं। इसकी चयन प्रक्रिया ये होती है कि सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है उनको दो नाम नॉमिनेट करना होता है कि भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये लोग काम कर रहे हैं, उनके पास वो प्रपोजल्स मांगते हैं कि आपने अगर कुछ काम किया है तो आप उसके बारे में हमें बताओ। मैं ADC ऑफिस के साथ काम करता था, मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और इतना उस तरीके से नहीं था। एक दिन ADC ऑफिस से कॉल आती है कि भाई आपका जितना भी काम हमें कंपाइल करके दीजिए, हमें इस तरीके से कुछ आगे भेजना है। मुझे तब तक ये पता नहीं था कोई अवार्ड है कुछ है। मैंने जो था सॉफ्ट कॉपी में उनको प्रिंट आउट निकाल के कंपाइल करके उन्होंने फिर मेरे को फॉर्मेट दिया, वो भर के मैंने उनको सबमिट करवाया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी प्रपोजल्स आते हैं उनमें वो सिलेक्ट करके दो प्रपोजल आगे स्टेट लेवल पे भेजते होते हैं। स्टेट लेवल पे कमेटी होती है, जितने भी प्रपोजल्स आते हैं उनको हर स्टेट को 10 प्रपोजल मैक्सिमम, आप 10 से ज्यादा नहीं भेज सकते, 10 प्रपोजल आपको वरीयता के आधार पे आगे सेंटर में भेजने हैं। सेंटर में फिर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी है, PMO से नॉमिनेट पर्सन होते हैं, वो ज्यूरी में बैठते होते हैं और उसके बाद वो जितने भी प्रपोजल 200, 300, 400 जितने ऑल ओवर इंडिया से आते हैं उसमें से वो वरीयता के आधार पे, काम के आधार पे उनका कुछ फिक्स मार्किंग का जिस तरीके से जो सिस्टम होता है कि इस एरिया में इतना काम किया, इसके इतने पॉइंट्स, इस हिसाब से वो 25 लोगों को चयनित करते हैं। और उनको हर साल नेशनल यूथ डे पे 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि पे, उस पे वो सम्मानित किया जाता है। तो 12 से जो 18 जो वीक जो चलता होता है वो नेशनल वीक मनाया जाता है, नेशनल यूथ वीक के नाम से सेलिब्रेट होता है। और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स जो है उसमें ये यूथ फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज करती है, नेशनल यूथ फेस्टिवल का, जो इस बार लखनऊ में हुआ था यूपी में। ठीक है, उसमें उन युवाओं को जब जो सेरेमनी होती है उसमें वो सम्मानित किया जाता है, 40,000 रुपये कैश प्राइज दिया जाता है, सिल्वर मेडल था और अप्रिसिएशन एक लेटर दिया जाता है जिसमें भी यही लिखा हुआ था कि आपने जो समाज सेवा के क्षेत्र में जो काम किया उनको हम रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए आपको ये सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है। जब अनाउंसमेंट हुआ तो बहुत अच्छा फील हुआ, घर पर भी बताया, प्राउड मोमेंट था, बिल्कुल ऑब्वियसली प्राउड मोमेंट था कि कुछ किया है तभी कुछ मिला है। तो उस चीज में मन में एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ यार अपन ने कुछ ना कुछ तो हल्का का कुछ तो किया तभी इतनी रिकॉग्नाइजेशन मिली है। और ये चीजें कभी सोची नहीं थी बिल्कुल कि ये सपने जो हकीकत में बदलने वाली सी बात थी कि भाई हाँ हकीकत में सपने हैं कुछ है, और वो सपने पता नहीं कब साकार हो गए, क्योंकि इन चीजों की कभी नॉलेज नहीं थी और परिवार में किसी को नॉलेज नहीं थी, हमें भी नहीं थी। और लेकिन ये है कि बहुत अच्छा लगा और आगे काम करने के लिए उत्साहित रहे कि ठीक है आगे, अब वो अवार्ड मिलना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है। अगर आपको कोई रिकॉग्नाइजेशन मिल जाती है किसी काम की वजह से, अब उसके बाद आप अगर वो काम नहीं करोगे तो आपको खुद के मन में होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, कि मेरे को अगर इस एरिया में कुछ रिकॉग्नाइज है तो वो आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि मेरे को इससे ज़्यादा बेटर वर्क जो है वो आगे करना है। देखो सर ने बताया भाई राष्ट्रपति अवार्ड के बारे में, आप लोगों को बताया कि कैसे उनकी ये जर्नी थी, जो क्या क्या उन्होंने समाज सेवा में भाई काम करे, सेवाएं दी अपनी, देन उसके बाद में एक फीलिंग अलग होती है वो वाली कि जब आपको इतने बड़े अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, आपकी फैमिली आप लोगों को देख के प्राउड फील कर रही है, तो वही सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारा भाई यही है, आप लोग भी जिस भी फील्ड में लगे हो ना, आप अभी इस टाइम पर
आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो सारी लाइफ में हर एक चीज आप लोगों के सामने आएगी। सर ने जो फील कराया है आप भी करोगे, सारी चीजें करोगे। तो आप लोगों को अभी जो एट द पॉइंट क्या करना है, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो, अच्छे से जो भी चीजें हैं एक बारी क्लियर कर लोगे, सारे के सारे कंटेंट को आप लोग पढ़ लोगे, वही आपका साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एक ही चीज आती है भाई। जिस भी जो भी आपका वीक पोर्शन है ना कि सर मेरे को ये कम आता है, उसको ज़्यादा पढ़ो, उस चीज़ को ज़्यादा करोगे ना तो फिर देन उसके बाद में सारी की सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी भाई। 100% तो आपको वैसे भी मार्क्स नहीं लाने होते कि मुझे तो 100 लाने हैं तभी जाके मेरा सिलेक्शन होएगा, नहीं जी, वो जितने भी आपकी कट ऑफ जितनी जाती है 65, 70, 75 जितनी भी जाती है आप उतना करके आ जाओ, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छे से चीज़ों को करा है। तो वैसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छी चीज़ें अपने दिमाग में सीखिए। ये इंटरव्यू कराने का हमारा यही मकसद था कि और भी लाइफ के अलग अलग, जैसे अपन जिन चीज़ों के बारे में सोच ही पाते हैं वैसा अपन भी करें, क्या करना चाहिए उस चीज़ के लिए, क्या क्या हमें करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें सीखते हैं। सर की लाइफ के बारे में और भी थोड़ा आगे डिटेल में अपन लोग जानते हैं ताकि इंस्पायर हों अपन सारे के सारे, ठीक है। तो सर आपका जो चाइना डेलीगेशन में चयन हुआ उसके बारे में कुछ प्रोसेस बताइए, कैसे हुआ, क्या क्या आपने अनुभव शेयर करे वहाँ पर, उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, देखिए किसी भी देश का निर्माण जो करता है वो युवा निर्माण करता है, ठीक है। तो जब भी भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी दूसरी गवर्नमेंट के साथ एमओयूज होते हैं, किसी भी क्षेत्र में एमओयू होते हैं, तो उनमें एक होता है कल्चरल एक्सचेंज का, यूथ कल्चरल एक्सचेंज का होता है कि भाई अपन अपने युवाओं का आदान प्रदान करेंगे, हमारे देश के कुछ युवा आपके देश में आएंगे, आपके देश के युवा हमारे देश में आएंगे, आपके कल्चर के बारे में जानेंगे और आपसे वो सीखने को उनको मिलेगा कि किस तरीके से देश है जो डेवलप हो रहा है, तो वापस आके हमारे देश में चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो विभिन्न देशों के साथ अपने एमओयूज हैं, तो उसमें चाइना के साथ हुआ, तो चाइना में डेलीगेशन जा रहा था 100 लोगों का। तो मेरे को इसमें चयन प्रक्रिया के लिए वैसे कुछ नहीं है कि भाई खुद अपने को कुछ अप्लाई करना है या फिर वैसे, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स जो अपने आप चयन करती होती है और वो हर एक फील्ड से करती है। हमारे साथ IITN भी थे, IIM से भी थे, उसके बाद एम्स के डॉक्टर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, यूथ भी थे, कल्चरल एक्टिविटीज में जो बढ़िया पार्टिसिपेट जो कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, वो लोग भी थे। तो हर तरह के युवा थे उसमें, हर फील्ड से वो कुछ युवाओं को चयन करते हैं अपनी वरीयता के आधार पर चयन करके, और उसके बाद वो डेलीगेशन जाता होता है। तो मुझे भी सरप्राइज लगी कॉल आई मिनिस्टर यूथ अफेयर्स की तरफ से कि ऐसे जैसे चाइना डेलीगेशन जा रहा है, आपका है क्या पासपोर्ट बना हुआ है? पहले के लिए मेरा पासपोर्ट था, तो मैंने कहा बिल्कुल। उसके बाद आगे प्रक्रिया थी, लेकिन जब चाइना में गए तो बहुत कुछ सीखने को मिला। पहली चीज सीखने को यह मिली कि चाइना ने अपना जो सेंस करती है उसको बचा के रखा है। अच्छा, इस तरीके से बचा के रखा है कि वहाँ पे बाहर की जो भी चीज़ें हैं वो अलाउ नहीं है, जैसे अच्छा। जो बाहर की दूसरी कंट्रीज के जैसे व्हाट्सएप वगैरह है वो चीज़ें वहाँ पे अलाउ नहीं है। अच्छा। उनके खुद का अपना सब कुछ सिस्टम जो है वो अपना खुद का उन्होंने डेवलप कर रखा है। अच्छा। उनकी जो लैंग्वेज जो उनकी जो एजुकेशन होती है वो उनकी चाइनीज लैंग्वेज में होती है, ठीक है। अपने क्या होता है, अपनी मेन हिंदी है, लेकिन अपन बच्चे को स्टार्टिंग में इंग्लिश में डाल देते इंग्लिश नहीं आएगी तो कुछ नहीं आएगी, जबकि वहाँ पे उनके वो जो कुछ भी सेंस करती है वो चाइनीज है। मैं एग्रीकल्चर से बिलोंग कर रहा था, तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देखा उन्होंने जो अपने एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उनको अडॉप्ट कर रखा है। अपन तो अभी भी वही पुरानी पद्धति में चल रहे हैं कि अपने को हर साल वही 5 बीघा में गेहूं बोना है, इसमें ये करना वो करना, दूसरे ने ये किया तो अपने को वो कर लेना, एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में अपन जाते नहीं। लेकिन आज के समय में ये चीज़ें जरूरत है, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अपने को प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके हिसाब से वो भी बढ़ना चाहिए। अपन आयात पर निर्भर नहीं रह सकते, निर्यात भी अपने को हर चीज़ का करना है, ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजी भी समझने को मिला कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आके वो यूनिवर्सिटीज में शेयर की तो उसमें कुछ हमने भी बदलाव किया, अपनी जगह में कुछ बदलाव किए। उसके बाद हमने फार्मर्स को भी उस बारे में अवेयर करना शुरू किया कि इतने हायर अपन नहीं अपना सकते, लेकिन कुछ सरकारी स्कीम है जो अपने यहाँ चल रही हैं उन स्कीम्स का अपन फ़ायदा ले सकते हैं, किस तरीके से ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत ही कुछ सीखने को मिला, इतना अच्छा ग्रुप था तो बहुत अच्छी लाइजनिंग हुई और लोगों के बारे में देखने को मिला कि यार किस तरीके से डाउन टू अर्थ पीपल होते हैं। एम्स में डॉक्टर हैं, पॉलिटिशियन है, वो भी इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो देखिए सर चाइना भी गए हैं, वहाँ पे भी जाके काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें सीखी हैं। देखो इनसे एक चीज़ सीखने को मिलती है भाई, आप जहाँ भी जाते हो ना, जो भी काम नया करते हो उससे कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सीखा करो अपनी लाइफ में। आज ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ से भी आपको कुछ 2-5 चीज़ें अच्छी ही अपनी लाइफ में लेनी है। बुरी चीज़ों को मत लाइफ में अंदर आने दिया करो, अच्छी चीज़ों को बड़े ही अच्छे तरीके से सीखा करो, समझा करो कि मैं ये जो चीज़ है इसको मैं कैसे मेरी लाइफ में लेके आ सकता हूँ। जैसे सर वहाँ पे चाइना में गए तो उन्होंने देखा वहाँ की संस्कृति या फिर कैसे कैसे क्या काम हो रहे हैं वहाँ पे,
और भी जितनी सारी चीज़ें थी, तो वैसे ही आप लोग भी अपनी लाइफ में जो भी आपको करना हो ना, वो अच्छे से चीज़ें देखा करो हर किसी को। अगर तुम्हारा आपका कोई फ्रेंड है वो अच्छे से पढ़ाई करता है, ये करता है, वो करता है, तो आप भी उससे वो वाली अच्छी चीज़ें सीखो। ये नहीं कि मेरा फ्रेंड है वो ये वाली घटिया हरकतें करता है, वो करता है, मैं भी वैसा करूँ। नहीं नहीं गलत चीज़ों को लाइफ में मत आने दिया करो। एक सक्सेसफुल इंसान आप लोगों को बनना है, बहुत ही आगे तक जाना आप लोगों को, ठीक है? तो ऐसे ही सर से अपन को सीखने को मिल रहा है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए अपन को। फोकस, सारी की सारी चीजें बताएंगे। अभी पढ़ाई पे कैसे फोकस करना चाहिए, बहुत लोगों के डाउट होते हैं कि सर मैं आधे घंटे पढ़ पाता हूं, देन उसके बाद मुझे 4 घंटे का रेस्ट चाहिए होता है, फिर आधे घंटे, फिर 4 घंटे का, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। तो वो सारी चीजें भी सर से पूछेंगे कि सर आपने कैसे कंसंट्रेट किया अपनी पढ़ाई पे, और बाकी सारी फील्ड्स में भी आपने योगदान दिया और साथ में पढ़ाई को भी आपने कभी नहीं छोड़ा, ठीक है? वो सारी चीजें देखने सीखेंगे सर से, पूछेंगे अपन। तो सर आप जैसे बांग्लादेश में भी किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए आप गए थे, तो उसके बारे में अपने स्टूडेंट्स को बताइए कि सर वहाँ क्या फीलिंग रही, कौन सा वो सम्मेलन था, किस लिए आप लोग गए थे बांग्लादेश। बिल्कुल, अपन अब थोड़ा कंक्लूड करते हैं, इसके बाद में आपके क्वेश्चन आंसर अपन लेंगे, ठीक है? तो बांग्लादेश वाला और बाकी जितनी भी अचीवमेंट, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि बहुत टाइम हो गया, समय हो गया, ठीक है? तो बांग्लादेश में यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही थी ग्लोबल यूथ एंटरप्रेन्योर समिट, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, मैंने उसमें अपनी एंट्री भेजी, और उसमें मेरा जो था वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये था कि भाई किस प्रकार से प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी कम है, प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है लेकिन वो फिर मार्केट तक नहीं पहुँच पाता, कहाँ उसमें कमी है, ट्रांसपोर्टेशन की किस लेवल पर ज़रूरत है, या किस प्रकार से प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, क्या क्या उसमें चेंजेस होने चाहिए। उस मॉडल पे मेरे एंट्री थी, मुझे नॉमिनेट किया गया, पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, और वहाँ पे उस चीज़ के लिए मुझे अवार्ड भी मिला था वहाँ के बांग्लादेश के जो मिनिस्टर थे उनके द्वारा, जो क्लोजिंग सेरेमनी में थे, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती रही। इसके बाद जब यूनिवर्सिटी ने भी एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट एम्बेसडर बनाया, उन्होंने स्वच्छ भारत के लिए रिगार्डिंग काम करने के लिए कि भाई युवाओं को मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट एम्बेसडर बनाया। जब सारी चीज़ें थी तो हरियाणा गवर्नमेंट भी पीछे नहीं रही, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी फ्री ट्रेवल पास दिया लाइफ टाइम के लिए कि भाई आपकी इन सेवाओं को हम रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए हम फ्री ट्रेवल पास देते हैं। कैबिनेट ने ये डिसाइड किया था और अप्रूवल मिली, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद में मतलब काम चलता रहा, लास्ट में फिर मेरे को ये डिसाइड करना था कि भाई मेरे को क्या करना है। जब इतना कुछ था तो पॉलिटिक्स में भी जाने का मन होता है, कई बार मन करता है कि अपन पॉलिटिक्स में भी जाएं, लोग भी अप्रोच करते हैं कि भाई आप ये हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लो, ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लो। हालांकि वो चीज़ें मैंने कभी ज्वाइन की नहीं, पॉलिटिक्स में कभी गया नहीं, मेरा सपना भी नहीं था पॉलिटिक्स में जाने का। मेरा जो सपना था बेसिक वो था कॉलेज में प्रोफेसर बनने का था, ठीक है? मेरे अंडर ग्रेजुएट डिग्री यूजी मेरी कंप्लीट हो गई, पीजी में मैंने एडमिशन लिया एनवायरमेंटल साइंस में, मेरी फर्स्ट ईयर के एनवायरमेंटल साइंस चल रही थी, ठीक है? और ये था मेरा प्री डिसाइडेड था कि भाई ये काम जो एक्टिविटीज़ में कर रहा हूँ करता रहूँगा, फर्स्ट ईयर हो जाएगा, सेकेंड ईयर में आते ही मैं थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन करूँगा, नेट की तैयारी करूँगा, नेट क्वालिफाई हो जाएगा और एमएससी नेट हो गया तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा। जब भी वैकेंसी आएगी तो मैं इन चीज़ों का मुझे बेनिफिट मिलेगा और मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा। ये मेरा सपना था, इसमें काम कर रहा था, रिसर्च वर्क भी जो करना है जिस तरीके से भी करना है। तो हम क्या है कि वीकेंड पे या फिर जब भी गांव में जाते, लोगों को फार्मर्स से इंटरेक्ट करते कि भाई किस प्रकार की कोई डिजीज वगैरह आई है उसको दूर करने, बेसिकली एग्रीकल्चर से थे, या फिर बाहर से जो कुछ भी सीखा उनके लिए, तो हम किसी मतलब जाते रहते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो एक दिन ऐसा था, संडे को हमारा ग्रुप जा रहा था किसी गांव में जा रहा था, तो हमने देखा कि पंचायत लेवल पे कोई मीटिंग चल रही है, ठीक है? तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है यार किस चीज़ की, अपन भी चल पड़ते हैं। तो हमने जाके देखा तो वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे क्या हो रहा था कि किसी की जमीन जो है फार्मर की, वो जमीन नीलाम हो रही थी। तो वहाँ पे तहसील स्तर के SDM वगैरह, पटवारी, गिरदावर वो भी थे। जब धीरे धीरे बातों को पूछा कि भाई क्या प्रोसेस है, ये किस तरीके से क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि भाई इन्होंने बैंक से लोन लिया है, लोन रिपे नहीं कर पा रहे हैं, उस ले बैंगे। तो वहाँ पे हमने उन सारी चीज़ों को पूछा, गांव वालों से इंटरेक्शन किया कि भाई ये चीज़ें गलत है, इस तरीके से नहीं, उनसे सहयोग कीजिए। हालांकि वो फिर ऑक्शन फेल हुई, उन्होंने ग्रामीणों ने विश्वास दिलाया कि हम इस तरीके से पैसा जमा करवा देंगे। लेकिन बाद में आके पूरा ग्रास रूट लेवल पे ये चीज़ें देखी कि एक्चुअल में है क्या प्रोसेस, इस तरीके की नौबत क्यों आ रही है। तो जब किसानों के पास जाने लगे तो देखा कि हर किसान की जमीन जो मॉर्गेज है, उन्होंने लोन ले रखा है, बैंक से लोन ले रखा है, लेकिन वो रिपे टाइमली नहीं कर पाते हैं। तो उनके जब हम देखने लगे भाई क्यों नहीं कर पाते हैं, तो एक तो
अवेयरनेस की वजह से नहीं कर पाते थे कि जब हमने लोन लिया तो हमें पता नहीं था कि किस तरीके से हमें रीपे करना है इसको, क्या इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, अगर नहीं भरेंगे तो उसका नुकसान क्या है। कई बार क्या इलेक्शन आ जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अनाउंस कर देती है कि भाई हम आपका माफ कर देंगे, वो करती नहीं है, लेकिन वो भोले वाले लोग उस चीज़ों को हो जाते हैं। अब मेरे सामने ये था कि भाई मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, अचानक से ये चीज़ भी हुई कि यार वो चीज़ बन जाऊंगा तो ये शायद स्किप हो जाएगी मेरे से, जब इतना कुछ हुआ है, ये अवार्ड मिलने के बाद की बातें थी। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। तो बिल्कुल दुविधा में आ गए कि मैं मुझे करना क्या है, किस तरीके से क्या करना है। चार पाँच दिन सोचता रहा, कुछ डिसाइड नहीं कर पाया। लास्ट में सोचा कि यार बैंक में जाता हूँ, बैंक में अपना करियर बनाता हूँ, करियर नहीं बनाता मतलब बैंक ज्वाइन करता हूँ, और जो जो ग्रास रूट लेवल पे अपन फार्मर्स के लिए काम कर रहे हैं, अगर अपन उनको ये तो सिखा देंगे प्रोडक्शन कैसे है, प्रोडक्टिविटी कैसे है, क्या कुछ है, लेकिन बाकी अगर बेसिक उनको अगर सरकारी सुविधाएं अगर हम नहीं दे पाएंगे, उनका लाभ ही नहीं दे पाएंगे, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मिस हो जाएगी। सात आठ दिन तक इसी दुविधा में चलता रहा, फिर मैंने डिसाइड किया कि करना है, ये करना है। ठीक है, मेरे साथ वाले फॉर्म भर रहे थे, मैंने भी अप्लाई किया, अप्लाई किया, फिर महीने भर मैंने अच्छे से तैयारी की, क्योंकि जब सोच लिया कि मुझे इधर ही जाना है, सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन हो गया ही ये काफ़ी नहीं था, उसके बाद फैमिली का प्रेशर है, यूनिवर्सिटी का प्रेशर है कि आप नहीं उधर नहीं जाना आपको, क्योंकि वो जॉब मतलब कि जो आप सोच रहे हो या जिस लेवल उसके कंपेरेटिव में सही नहीं है, आप उससे नीचे है, आपको इधर ही काम करना है। यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है, आप जो चाहते हो सकता है, और बातें सही भी थी कि भाई मैं जहाँ पहुँचना चाहता उससे एक साल के मार्जिन पे था। फर्स्ट ईयर में कंप्लीट हो गई थी, सेकंड ईयर होते ही नेट के होते ही मेरे को उधर पोस्टिंग मिलने वाली थी कि मैं मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन बाद में ये था कि किसी ना किसी को करना ही पड़ेगा, अगर हर कोई अपने लिए करेगा तो बाकी के लिए कौन करेगा। तो मैंने एक थोड़ा सा कड़ा फैसला ले लिया और मैंने बैंक ज्वाइन की। बैंक ज्वाइन करने के बाद जो चीज़ें मैं सोचता था वो बिल्कुल लोगों तक पहुंचाने लगा कि गवर्नमेंट की जो है ड्रिप इरीगेशन वगैरह है, पानी की किल्लत आ रही है। ठीक है, आप फसल अच्छी नहीं ले पाते तो ड्रिप इरीगेशन वगैरह की फैसिलिटी लो, उनके रिगार्डिंग जो भी नाबार्ड वगैरह की सब्सिडी है उनके बारे में, डेयरी डेवलपमेंट के बारे में, सोलर ऊर्जा के बारे में, सोलर पैनल किस तरीके से कर सकते हो, और मैंने सेटिस्फेक्शन भी है कि ठीक है मैं बहुत हद तक इस बारे में काम करूंगा। साथ में मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं। ठीक है, अब ये थी कि भाई मैं पढ़ाता हूँ तो कई बार ये भी हो जाता है कि खुद ही मन में भी आ जाता है कि यार मैंने वो जब पहले वाला एग्जाम क्लियर किया था क्या मैं काबिल था, या फिर कई बार वैसे ही हो गया। उस चीज़ के लिए मैंने खुद के सामने प्रूव करने के लिए मैंने इस बार RRB स्केल 2 दिया। अच्छा। कि मैं एक बार देखता हूँ कि किस तरीके से क्या है, और RRB स्केल 2 भी हो गया, क्योंकि अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो आपके आप बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप एक UPD को बना रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद भी उस काबिल हो, आप खुद भी उस काबिल हो कि आप दूसरों को पढ़ा सके। ये नहीं कि भाई मैं सामने नोट्स रखे हैं, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ के मैं आपको करवा रहा हूँ। नोट्स वगैरह सबको पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपकी होल्डिंग होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तभी आप कुछ करवा सकते हो। रही बात बाद में कुछ इस प्रकार के सवाल भी उठे कि भाई आप मतलब कि पैसों के लिए आपने ये ज्वाइन किया, बैंकिंग की आपने जॉब के लिए किया। तो मेरा धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि जॉब के लिए नहीं था, क्योंकि अगर जॉब के लिए होता तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की ज्वाइन करता, जो आज मैं कर चुका होता। अब दूसरा यह था कि अपन कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते होते हैं उसके लिए फंड की भी जरूरत होती है, मैंने कभी किसी से फंडिंग नहीं ली। ठीक है, जब खुद अपन कैपेबल हो गए, 50,000 रुपये मंथली आने लग गए, तो अपन उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप कहीं भी ट्री प्लांटेशन वगैरह कर रहे हो तो खुद उस बेसिस पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रैलीज वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हो, गांव में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप ज़्यादा भी नहीं तो 5 स्टूडेंट्स की फीस पे कर दो हर साल, मैं जो करता हूँ इस तरीके से छोटे छोटे, तो वो पैसा उधर डिवाइड हो जाए, तो वो सेटिस्फेक्शन अपना काम भी मतलब जो सोशल सर्विस का है वो भी है, और जो मैं करना चाहता था वो चीज़ें भी चल रही है। अच्छा जी, तो देखो सर से अपन ने जाना कि जो भाई अपनी लाइफ की बेहतरीन ऊंचाइयों पे थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम इन्होंने अवार्ड मिले, बहुत सारा समाज सेवा करी, तो पूरा का पूरा राजनीतिक करियर जो था इनके सामने था, लेकिन फिर भी इन्होंने बैंकिंग करियर को चुना, वो क्यों चुना अभी सर ने सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं। अच्छा, अभी अपन सर से जानेंगे कि इनके जो अभी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, फ्री एजुकेशन वाले वगैरह वगैरह, जो भी सारी चीज़ें सर के दिमाग में हैं, या फिर आप लोगों के लिए सर क्या करना चाहेंगे, क्या करेंगे लाइफ में आगे, वो सारी चीज़ें सर से डिस्कस करते हैं कि सर अभी जो आपके हैं वो उनके बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, मैंने बताया कि भाई 5 लोगों के हर बार मैं 5 जो बच्चे होते हैं उनकी मैं फीस वगैरह पे करता हूँ, ट्री प्लांटेशन में काम कर रहा हूँ, फार्मर्स को अवेयर कर रहा हूँ, ये मेरे प्रोजेक्ट जो है अभी चालू है इन्हीं पे मैं काम कर रहा हूँ। कुछ 6 लोगों को मैं शाम को पढ़ाता भी हूँ, यहाँ पे आप लोगों की मैंने क्लासेस ली थी 2-3 दिन, लेकिन मैं क्या टाइम की वजह से ले नहीं पाया। वीकेंड पे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं फिर से कोशिश करूँगा कि भाई समय निकालूँ और आप सभी लोगों के लिए करूँ।
बस मेरा आपको यही है, ये कहना है कि भाई आपके माता पिता ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया, उनके कुछ सपने हैं, हाँ जी ठीक है, और हर बेटे की हर बेटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने माता पिता के जो सपने हैं वो अपने को पूरे करने हैं, चाहे किसी भी तरीके से हो। जान नहीं जाएगी अगर अपन 10 घंटे पढ़ लेंगे, 12 घंटे पढ़ लेंगे तो अपनी जान नहीं जाएगी, हाँ जी। इतना कन्फर्म है, अपन पढ़ने से नहीं मरेंगे, और किसी चीज से मर सकते हैं, पढ़ने से कभी नहीं मरेंगे, ठीक है। तो मन में दृढ़ निश्चय करो, ये मत सोचो कि मेरे 10th में 50 है, मेरे 55 है, मेरे 60 हैं, उसके दूसरे के तो 70 हैं, 75 हैं, 80 हैं, वो यार उसके परसेंटेज बहुत हैं तो वो सक्सेस हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं हो पाऊंगा। जो परसेंटेज आए हैं वो वहीं तक का करियर था, हाँ जी ठीक है, उस समय में उन्होंने मेहनत की, उनके अच्छे आ गए, आपने मेहनत नहीं की, आप नहीं है। हाँ। अब आपको प्रूव करने के लिए अलग से आपको ये मौका मिला हुआ है, तो इसमें अपने आप को प्रूव कीजिए, अपने माता पिता के जो भी सपने हैं उनको पूरा कीजिए, क्योंकि अपने को बनाने के लिए यहाँ तक पहुँचाने के लिए उनकी बहुत कड़ी मेहनत होती है, वो बहुत चीज़ों का सेक्रीफाइस करते हैं, अपने बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खुद का सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपनी इच्छाएं होती हैं उनको दबा लेते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो इस एरिया में आप बिल्कुल काम करो यार, 24 घंटे सभी के पास 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 24 घंटे मत पढ़ो। आपका क्या, अगर ये है कि मेरा दोस्त जो है वो 6 महीने से तैयारी कर रहा है, अगले 3 महीने बाद मेरी एग्जाम है, मेरा दोस्त 6 महीने से तैयारी कर रहा है, 6 घंटे पढ़ता है, मैं आज करूंगा तो मेरा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप आज से पढ़ो, आपका दोस्त आज भी 6 घंटे पढ़ रहा है, 12 घंटे पढ़ो ना, बिल्कुल कंपटीशन है जो जितना अच्छे से कवर करके जाए, और ये नहीं कि भाई मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल क्लियर करो कि आगे उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं हो, रिविजन करते रहो बार बार, क्विकली रिवीजन करोगे। एक चीज को अपन पहले पढ़ने में 1 घंटा लगता है, हाँ। लेकिन अपन दोबारा देखते हैं तो 10 मिनट में हो जाता है, 5 मिनट में, 1 मिनट में, लास्ट में आता है कि भाई ठीक है, मेन मेन पॉइंट कुछ होते हैं वो अपने को देखने होते हैं, हाँ। तो बिल्कुल एक डायरेक्शन में आप, एक सबसे पहले आप सुबह उठो, उठ के अपने दिमाग में ये बनाओ कि मुझे आज क्या क्या करना है, मुझे आज कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, मुझे आज कौन सी क्लास अटेंड करनी है, कहाँ पे, ठीक है, कि मुझे रीजनिंग की मैम की क्लास अटेंड करनी है, ठीक है, इस समय आएगी 8 से 9 आएगी, फिक्स टाइम टेबल है, ठीक है, 8 से 9 मैंने क्लास के लिए मैंने टाइम टेबल कर दिया, हाँ। अब मुझे बाकी के मेरे अगर घर के कुछ काम है वो मेरे को किस तरीके से करना है, हाँ ठीक है, इनको मैं इस तरीके से एडजस्ट, हाँ। कर लूँ, बाकी समय जो भी है 24 घंटे में से ये 6 घंटे 7 घंटे, 7 घंटे आप सोने के निकाल दो, 17 बच गए, 2-3 घंटे घर के काम के निकाल दो, 1-2 घंटे और निकाल दो, तो भी आप 12 घंटे आराम से तैयारी कर सकते हो, हाँ। अगर आपको कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा, शॉर्टकट किसी भी चीज़ का नहीं है, कोई आपको शॉर्टकट नहीं बता सकता, कोई भी टीचर ये नहीं कि भाई मैं है ना कि आप तो पढ़ो मत, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो, और उसके अलावा मतलब कि आप है ना दोबारा से रिवीजन मत करो, या फिर आप खुद से मेहनत मत करो, ठीक है, आप बैठे रहो कि हम मैम पढ़ा रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैंने देख लिया होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ। उस टाइम भी दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, जो प्रैक्टिस सेशन वो करवा रहे हैं वो करना पड़ेगा खुद से, जो वो होमवर्क दे रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा, वो भी ईमानदारी से करना पड़ेगा, इसलिए ठीक है, तो बिल्कुल ईमानदारी से काम करो, आपको जिस भी जहां भी आप जाना चाहते हो बिल्कुल आप सफल होगे, और कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी असफलताएं जिंदगी में आती रहती है, तो उनसे अपने को टूटना नहीं है, ठीक है, उन चीजों के लिए मेरे पास ये 2 लाइन है जो बार बार आप सुनते रहते हो, कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत सारे अपने सामने ऐसे एग्जाम्पल है, स्वामी विवेकानंद जी का देख लो, आप एपीजे अब्दुल कलाम जी का देख लो, एपीजे अब्दुल कलाम जी ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे जिनके पास पढ़ने के भी संसाधन नहीं थे, हाँ जी। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल अपने बायोपिक में वो किया है, उन्होंने वर्णन किया कि भाई मैं दूसरों की पढ़ी हुई बुक्स जो थी वो उनसे उधार लेके मैं पढ़ता था, और धीरे धीरे उस तरीके से पढ़ते गए, और देश के राष्ट्रपति बने, भारत रत्न उनको दिया गया जो सर्व सम्मान है, सर्व, और अपने मतलब कि इतना अच्छा काम किया है मिसाइल्स के रूप में, जो चीज़ें अपन सोच भी नहीं, अगर अपनी तरह वो सोचते कि यार मिसाइल बनाना तो अपने पास की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपने पास संसाधन नहीं है, अपने पास कुछ भी नहीं है, रूस अपने से टेक्नोलॉजी में आगे है, चाइना अपने से टेक्नोलॉजी में आगे, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते, कुछ भी नहीं होता, उन्होंने प्रयास किए, संसाधन जुटाने शुरू किए, कम संसाधनों में ज़्यादा आउटपुट निकालना शुरू किया, और उन्हीं की बदौलत है कि आज अपन मिसाइल में कितना एडवांस है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले खुद के लिए जीना सीख जाओ, अपने माता पिता के लिए जीना सीख जाओ, क्योंकि जब यार अपना नहीं होता ना सिलेक्शन, कहीं भी नहीं होता, अपन असफल होते हैं, तो उसमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 इंसान होते हैं जो रोते हैं, अपने माता पिता, हाँ जी। और कोई नहीं रोता, अपना परिवार ही रोता है, उसके अलावा कोई नहीं रोता है, ना अपन अपने मन में हो सकता है कभी उदासी है, दोस्तों मन में थोड़ी कम हो सकती है, जो सबसे ज्यादा जो दुख होता है वो उन्हीं के मन में होता है और किसी के नहीं होता। और जब अपन कुछ कर जाएंगे, कुछ करने के बाद जब अपना रिजल्ट आता है, और जब अपन वो चीजें बताते हैं कि मैं इसमें ये हो गया, इसमें सिलेक्शन हो गया, तो जो उनके आंखों में जो आंसू होते हैं, जो जो चेहरे में मुस्कान होती है ना,
वो अपना सबसे बड़ा आज तक ये मान लो कि अपन ने अपना कर्ज चुका दिया, ठीक है, उनके उनके चेहरे पे जो स्माइल दे दिया अपन ने, जिंदगी से कुछ ना कुछ कर्ज अपन ने कम कर दिया है, ठीक है, सब कुछ अपन नहीं चुका सकते माता पिता, लेकिन कुछ अपन ने कर्ज अपन ने कम कर दिया, तो अपने माता पिता के लिए करो, उनके सपने जो हैं उनका हमेशा सपना यही होता है कि भाई पड़ोसी का बेटा या फिर उधर उन भाई किसी के घर में गवर्नमेंट जॉब में हो, लेकिन हर जगह नहीं होते गवर्नमेंट जॉब में नहीं होते, अपन देखते हैं कि यार गांव में उधर उस गांव में उस परिवार में गवर्नमेंट जॉब में है, तो यार अपना बेटा भी जब वो स्टार्टिंग से उनका जब अपने स्कूल में भेजना शुरू करते हैं तभी से उनका सपना होता है कि मैं भी अपने बेटा बेटी को पढ़ाऊं, वो भी आगे जाके कल को इस इतने बड़े ओहदे पे पहुंचेंगे, इस तरीके से काम करेंगे, मेरा नाम रोशन करेंगे, तो बिल्कुल तैयारी में जुट जाओ और दो चीज़ों को छोड़ दो कि मैं इस चीज़ की तैयारी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, दूसरा मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, अगर अपन सफल और असफल का देखने लग गए तो अपन कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि अपन जब ये चीज़ें देखेंगे ना तो पॉजिटिव पॉइंट जो होते हैं ना वो कुछ ही होते हैं, नेगेटिव सो होते हैं, तो नेगेटिविटी जो है ना वो अपने को पीछे ले आएगी, अपने को पीछे खींच के ले आएगी, ठीक है, अब क्योंकि ये होता है कि भाई मेरा तो अपन पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिव तो एक ही है कि भाई मैं अगर करूँगा तो मैं सफल हो जाऊँगा, नेगेटिव सो होता है यार मेरे को डेली 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ा जाएगा, घर में इतना काम होता है यार वो काम भी करना पड़ेगा, मेरी तो क्लास मिस हो गई, मैं तो पता नहीं पेपर अटेम्प्ट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इतना कंपटीशन होता है यार 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है मेरा नंबर कहाँ आएगा, तो नेगेटिविटी बहुत होती है, तो वो चीज़ें अपने को पीछे ले आती है और अपन मेहनत ही नहीं करना शुरू करते, मेहनत करेंगे कुछ भी किसी भी मुकाम पे हासिल हो कर सकते हैं अपन बिल्कुल, तो जिंदगी में जो सपना आपने देखा है, आपके माता पिता ने जो चीज़ें सपना देखा है बिल्कुल उसको आप उसको जीवो और उस सपने तक आप पहुँचो, उसको हकीकत में बदलो, जिस दिन हकीकत में बदल होएगा वो हकीकत बनेगा, उस दिन जो दुनिया आपके अगेंस्ट थी वो सब आपके साथ हो जाएगी, ठीक है, जब अपन कुछ भी नहीं कर पाते हैं ना, एक बार कोई एग्जाम दिया अपन असफल हो गए, ठीक है, लोगों को कमेंट आता है यार ये तो हर बार देता है इसका कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, जब अपना हो जाता है अगली बार जब हो जाता है तो वो ही लोग बोलते हैं कि नहीं हमें पहले से विश्वास था, बचपन से हमने देखा है ये संघर्ष ले ये कर जाएगा, ठीक है, तो जो लोग आपके अगेंस्ट होते हैं वो भी आपके साथ खड़े हो जाते हैं, आपके पीछे खड़े हो जाते हैं और अपने बच्चा अपने बेटा या बेटी को आप जैसा बनाना शुरू करते हैं कि देखो उन्होंने मेहनत की है उस जैसा बनो, ठीक है, पहले जब वो बोलते थे कि उस जैसा मत बनो वही लोग बोलते हैं कि उस जैसा आप बनो बिल्कुल, ठीक है, तो मन में निराशा मत लेके आओ, जो भी चीज़ है बिल्कुल आप अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं है, और सबसे बड़ा मोटिवेशन जो होता है ना वो माता पिता ही होती है, ठीक है, आप जहाँ भी पढ़ रहे हो जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हो अपने माता पिता की फ़ोटो लगाओ, और जब भी आपके मन में ये आए कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा कुछ नहीं करना, 2 मिनट आराम से शांति से आँखें बंद करनी है और सोचना है कि माता पिता ने क्या किया है, और अगर अपना सिलेक्शन नहीं होगा तो उन पर क्या बीतेगी, और अपना हो गया तो उन पर क्या बीतेगी, ये चीज़ें अपने को सबसे ज़्यादा मोटिवेशन देगी, इसके अलावा दुनिया में आपको कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत हो जाएंगे, मैं भी कर दूंगा, मैं मोटिवेट करूँगा आपको, 5 मिनट मोटिवेशन रहेगा, बाद में वो गायब हो जाएगा, जितनी देर बातें सुनोगे वो गायब हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें जो है ना वो आपको हर टाइम मोटिवेट करेगी, ठीक है, जब आप ये सोचोगे कि भाई अगर मेरा नहीं हो रहा है तो माता पिता पे क्या बीत रही है, लोग मतलब उनका ये हो जाता है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, लोगों को पता होता है फिर जानबूझ के बचते हैं, आपके बेटे का रिजल्ट है, बेटी का रिजल्ट है, क्या हुआ कुछ नहीं हुआ, अब वो भी क्या बोलते हैं उनको पता होता है लेकिन फिर भी पूछते हैं, ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, और जब वो देखो कि जिस दिन रिजल्ट आया और उस दिन आपके घर पे बधाई होगा, ताता लग जाएगा अगर आपका हो गया, लोग मिठाइयाँ लेके आएगी उस दिन, आप अपने आपके माता पिता पे क्या कुछ है, तो यही चीज़ें हैं बेसिकली जो मोटा मोटी बताने वाली है, तो निराशाओं को छोड़ो, आप निराशाएं मन में नहीं लेके आनी है बिल्कुल भी, जो भी आपको जो चीज़ आपको डिमोटिवेट करती है उसके पास ही नहीं लगना आपको, तो बिल्कुल दूर लेके चलना है, ठीक है, सबसे पहले खुद काबिल हो जाओ, माता पिता के सपने पूरे करो, और उसके बाद में आप समाज के लिए जितना कर सकते हो उतना समाज के लिए करो, क्योंकि उन्होंने किया। अब आपसे कुछ क्वेश्चन लेंगे भाई, आपके किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई बोलना चाहता है कि भाई मुझे इस प्रकार इस चीज़ में ये करने में दिक्कत आती है, या टाइम टेबल रूटीन नहीं बन पाता, या मैं ये चीज़ पढ़ नहीं पाता, तो एक बार आप बताइए, मैं बिल्कुल बताने की कोशिश करूँगा। हाँ देखो स्टूडेंट्स, आप सभी को जिन जिन को जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं सर से जो आप करना चाहते हो, तो सर अभी आपके सभी की लाइव चैट पढ़ रहे हैं, और अपने अपने जो भी डाउट्स हैं ना वो क्लियर कर लो। देखो सबसे पहले आपके दिमाग में अभी चीज़ें चल रही होंगी कि सर मैं ऐसा क्या करूं, कैसे पढ़ाई करूं, मेरे से ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, जो भी चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी सर आप सर से पूछो, आपको बेस्ट एडवाइस मिलेगी सबसे अच्छे से। और देखो सर ने जो अभी इतनी सारी आपको बातें बोली, आपको मोटिवेट करा है, तो मैं भी चाहूँगा कि उन चीज़ों को पॉजिटिव ले हो आप। देखो आप लोगों की लाइफ में आपके दो ही इंसान, मम्मी और पापा जो हैं वो हमेशा आपके पीछे खड़े रहेंगे, दुनिया पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाए फिर भी, लेकिन वो दो इंसान जो हैं वो कभी आपका
साथ नहीं छोड़ेंगे। जब आप जिस दिन पैदा हुए थे ना, जिस दिन आपका बर्थडे था भाई, पहली बार आप लोग इस दुनिया में आए थे, तब से वो हर एक मिनट हर एक सेकंड सिर्फ आपके लिए सोच रहे हैं। तभी से उन्होंने, उनके दिमाग में जो है ना, पापा के दिमाग में चीज़ें चलने लगती हैं कि मैं इसको ये बनाऊंगा, ऐसे इसको स्कूल में डालूंगा, इससे पढ़ाई करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, कोई भी कमी नहीं आएगी। भले ही वो खुद क्या कर लें, खुद अच्छे कपड़े ना पहने, कम रुपए खर्च कर लें। आपने देखा होगा ना, पापा का वही पुराना फ़ोन रहता है, लेकिन आपको वो 15,000, 20,000, 12,000 का एंड्रॉयड फ़ोन लेके देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं वो सिर्फ आपके लिए। तो यार इतना तो बनता है कि आप भी उनके लिए एक प्राउड मोमेंट, और वो ज़्यादा कुछ नहीं मांगते आपसे, मम्मी पापा हैं बिल्कुल एकदम से। मैं तो मानता हूँ कि जो मम्मी पापा, भगवान ने जो चीज़ बनाई है ना भाई, उनके लिए आप लोग करो एक बारी। देखो एक बारी आप लोग उनके कोई भी एग्जाम निकाल दोगे, एग्जाम क्लियर करोगे अपना, जैसे एक एग्जाम निकाल दिया, जाके बताओगे पापा मेरा रिजल्ट आया है, मम्मी मेरा रिजल्ट आया, मैं सेलेक्ट हो गया, देन उसके बाद में जो फीलिंग है ना, बस वो वाली जीनी है आप लोगों को। एक बारी वो वाला मोमेंट ले आओ भैया उनके लिए। इतना सेक्रीफाइस करा है उन्होंने आपके लिए, सिर्फ आपके लिए और किसी के लिए नहीं, पूरी दुनिया से भी भिड़ सकते हैं आपके लिए। तो वो वाला काम आप लोगों को करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, सर ने जैसे बताया वो वाले रूटीन आपको अपनाना है, कब पढ़ाई करनी है, क्या नहीं करी। तो अभी देखो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो सर पढ़ रहे हैं और साथ साथ में आप लोगों के सभी के रिप्लाई भी करेंगे। तो क्वेश्चन पूछिए भैया आपसे, होगी जो भी डाउट्स हैं। बिल्कुल, कुछ मेरे साथ ये पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से हो तो मैं बता दूँ कि भाई मैं राजस्थान से भी और मैं हरियाणा से भी हूँ, ठीक है, दोनों जगह से हूँ मैं। राजस्थान में पैदा हुआ, यहाँ पला बड़ा, और हरियाणा ने मुझे इतना कुछ दिया, जो कुछ मेरे अचीवमेंट वो हरियाणा की वजह से, दोनों की जगह से हूँ मैं, ठीक है। दूसरा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, जब अपन पढ़ने बैठते हैं तो नींद आती है। बिल्कुल सही बात है, सभी को आती है, आपको ही नहीं, सबकी प्रॉब्लम है। लेकिन इस चीज़ को अपने को दूर तो करना पड़ेगा। दूर करने के लिए क्या है, जब तक किसी चीज़ में अपना इंटरेस्ट नहीं बन पाता तब तक अपन उस काम को कर नहीं पाते, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो उसके लिए अगर आपने 10 दिन एक प्रॉपर रूटीन जी लिया, उस पर काम कर लिया, बेशक आपके कुछ भी समझ में नहीं है, ठीक है, आप बुक लेके पढ़ते रहो, ठीक है। पहले दिन एक घंटा पढ़ा, दूसरे दिन दो घंटा, इंप्रूव करने की कोशिश करो। ये नहीं कि भाई मैंने आज एक पढ़ा तो मैं दूसरे दिन, यार आज तो काफ़ी हुआ एक ही, अगले दिन कुछ भी कुछ ना कुछ इंप्रूव करो। 10 दिन अगर आप प्रॉपर में पढ़ लोगे, 11वें दिन आपको अपने आप इंटरेस्ट आने लग जाएगा। किस लिए आने लग जाएगा, 10 दिन जो पढ़ा है उनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें आपको आने लग जाएगी। कोचिंग में कहीं जा रहे हो, आप ऑनलाइन कोई क्लास ले रहे हो, कोई क्वेश्चन आया और आपका पढ़ावे में से आएगा, आप अगर सही कर दोगे ना, तुरंत आपको ये होगा यार मेरा पढ़ावा ना जो है। इंटरेस्ट जब तक नहीं बनाओगे तब तक अपनी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है, ठीक है। तो अपनी सिटिंग, अपना बैठने की आदत डालो पहले, तो कि भाई ये नहीं कि 5 मिनट मैं बैठा और उसके बाद उठ गया, फिर 5 मिनट बैठा फिर उठ गया कि यार मैंने तो आज तो 2 घंटे पढ़ाई कर ली है। सिटिंग पावर बढ़ाओ अपनी, बैठने की पावर बढ़ाओ, और स्टार्टिंग में वो टॉपिक उठाओ जिनमें आपका इंटरेस्ट है। एक बार इंटरेस्ट बन गया पढ़ाई में, उसके बाद हो जाएगा धीरे धीरे। ये स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती है कि भाई मेरे से पढ़ा नहीं जाता, नींद आती है, समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जब कुछ पढ़ाओ अपने को खुद को फील होने लग जाता है। 10 दिन पढ़ेंगे खुद को फील होने लग जाएगा यार मेरे को तो इस सब्जेक्ट में इतना कुछ तो आ रहा है, मैं इसका मतलब आगे भी कर सकता हूँ। जब खुद के मन में ये फीलिंग आ जाएगी ना, तभी आप आगे बढ़ पाते हो, ठीक है। दूसरा, एक किसी का क्वेश्चन था कि भाई एग्जाम में कंसंट्रेशन कैसे बनाए। देखो, पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही एग्जाम का पेपर अटेम्प्ट करना जरूरी है, ठीक है। किस तरीके से है कि अपन ने बहुत अच्छा पढ़ रखा है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में अपन पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, और रिजल्ट तो एग्जाम का जो पेपर अपन करके आएंगे ना वही है, ठीक है। एग्जाम में एक चीज का ध्यान रखना है हमेशा कि इजी क्वेश्चन भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं, और कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि वो हो तो जाते हैं लेकिन आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए होते हैं। एग्जामिनर डालता है इसीलिए कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम कंज्यूम करता होता है। टाइम भैया फिक्स है अपने पास 2 घंटे 3 घंटे, ठीक है, हर एक एग्जाम का या 2 घंटे या 3 घंटे फिक्स है। कोई, जैसे मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि सीटिंग अरेंजमेंट आ गई आपके रीजनिंग में, ठीक है, आपके IBPS के एग्जाम देने जाओगे तो 3 सीटिंग अरेंजमेंट आ गई, उसमें से एक ऐसी होती है कि वो देखते हुए जाती है, दूसरी ऐसी होती है कि भाई उसमें ना थोड़ा सा टाइम लगेगा हो जाएगी, तीसरी इतनी पजल्ड होती है कि भाई लोगों से नहीं होती, लेकिन कुछ होता है कि मैं कर लूँगा, लेकिन 10 मिनट उसी में लगा दिया, 10 मिनट लगा के आपने 5 नंबर के लिए, तो वो आपकी वाइजनेस नहीं है। टाइम मैनेज करना भी सबसे बड़ा सिलेक्शन लेने के तरफ एक कदम है, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो, अटेम्प्ट करें, जो क्वेश्चन आपको आ गया तो दो ही पैटर्न रखो, जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है आप उसको अगर आ रहा है कर लो, उसमें उलझो मत, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि हो सकता है उससे अगला वाला जो क्वेश्चन है ना वो इससे भी इजी हो, ठीक है। ऑप्शन आते हैं उसमें, उसमें मतलब कि एक तो आता सेव एंड नेक्स्ट, जो भी एग्जाम आजकल ऑनलाइन होती है सर, और उसमें एक आता है मतलब मार्क फॉर रिव्यू, ये चीज़ आती है, ठीक है। आपको आ रहा है सेव नेक्स्ट करो,
नहीं आ रहा, मार्क रिव्यू करो, ठीक है। आप एक फेज में एक घंटे या डेढ़ घंटे में आपने मान लो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है, एक घंटा और बचा 2 घंटे के एग्जाम में, अब आप मार्क एंड रिव्यू पे जाओ, उसमें क्या होता है थोड़े सेटअप होते हैं, ठीक है, उनको करने की कोशिश करो, उसी फेज में करते जाओगे आप, तो इसी तरीके से एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर आपके सामने पहले टाइम में कोई टफ क्वेश्चन आ गया, आप तो हाथ धोगे बैठ के, भाई मेरे को यही करना है, आप वो तो कर लोगे लेकिन सिलेक्शन से वंचित हो जाओगे। सिलेक्शन में 100% से नहीं होना, सिलेक्शन 60-70% से होना है, तो क्वेश्चन छोड़ने भी सीखो, जितना करना या जितने क्वेश्चन करने हैं जरूरी होते हैं, उतने क्वेश्चन कई होते हैं वो छोड़ने भी जरूरी होते हैं, ठीक है। एग्जाम का क्लियर करने का ये फंडा है, और कंसंट्रेशन का है कि भाई कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, तो कंसंट्रेशन का तो देखो, अगर आप कंसंट्रेशन का वही है, अगर कई बार इजी क्वेश्चन अपने सामने आते हैं, कंसंट्रेशन अपने आप बनते हैं, मेरे को आ रहा, मोटिवेशन भी आता है कि मेरे को नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, और क्वेश्चन बताता हूँ सर, जैसे मैंने ऑब्जर्व करा है, तो देखो बहुत सारे वंदना मिश्रा जी बोल रही हैं कि सर जो हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, टेस्ट वगैरह देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, लेजीनेस आती है उसमें कि भाई कर नहीं पाते, तो देखो उन सब के लिए भी है, टाइम सभी के लिए निकालना पड़ेगा। और एक अभी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था थोड़ी देर पहले कि सर हम लोग क्या करते हैं, जैसे टाइम फिक्स नहीं कर पाते कि आज मैथ्स करना है, इतनी रीजनिंग करनी है, इतनी साइंस पढ़नी है, इतना जीके पढ़ना है, लेकिन वो सारा नहीं हो पाता, जैसे स्टार्ट करते हैं फिर थोड़ी देर बाद होने लगता है कि क्या करें क्या नहीं करें, सर उसके लिए बताइए कुछ स्टूडेंट्स को कि भाई कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करें वो पढ़ने का घर। देखिए जैसे मैं कभी कमेंट पढ़वा रहा हूं कि वो रंजन चंदना कुमारी जी हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भाई मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाती, मैं सुबह ये सोचती हूं कि मुझे शाम तक है ना मैथ भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, ठीक है, मैं रीजनिंग पढ़ती हूं तो उसमें इतना टाइम लग जाता है कि मैं मैथ नहीं पढ़ पाती, कोई बात नहीं है, ठीक है। आप अगर रीजनिंग में आज जैसे आपने 4 सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाया, आप नहीं पढ़वाए, आपने पढ़ाई तो की, एक ही सब्जेक्ट पढ़वाए, लेकिन मन में ये तो सेटिस्फाई होना चाहिए कि मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ाया तो उसमें तो भरपूर पढ़ाया मैंने, उसमें से मेरे को दोबारा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डेट जब टाइम टेबल बनाओ तो आप रीजनिंग को कम, रीजनिंग को लास्ट में उठाने की सोचो ना, पहले मैथ को उठाओ। आप जो पहले आपने उठा लिया उसमें यह होता है कि जब इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है ना, अपन को करते हैं, अपने को आता है इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है, तो वही वो चीजें अपन करते जाते हैं, समय का अपने को पता ही नहीं लगता कि कब टाइम निकल जाता है। लास्ट में निराश होने की बजाय इस चीज को पॉजिटिव लेके आओ कि हाँ ये एक सब्जेक्ट में से आज मैंने 4 टॉपिक तो कर लिए, मेरे 5 तो हो गए, कोई अपने पास फिक्स 7 दिन का समय तो है नहीं कि 7 दिन बाद अपने को एग्जाम है, ठीक है, कोई बात नहीं। आज आपने रीजनिंग में ज्यादा टाइम लगा दिया लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन तो क्लियर हुए हैं, आपके टॉपिक तो क्लियर हुए हैं, तो इस चीज में निराश मत हो, अगले दिन आप दूसरे सब्जेक्ट को पहले उठाओ। ये एक ह्यूमन बिहेवियर है कि जब अपने को अच्छा लगता है तो अपन बार बार करते जाते हैं, और नहीं अच्छा लगता वो जो चीज़ तो अपन उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो लास्ट में एक दिन ऐसा एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि अपन जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो सारा पढ़ लेते हैं लेकिन जो नहीं अपना इंटरेस्ट बनता वो तो उसको भी पढ़ना जरूरी है भैया, उसको भी पढ़ना जरूरी है, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही छोड़ दो उसमें, उसमें कट ऑफ आपको क्लियर करनी पड़ेगी, कट ऑफ से कुछ मार्क्स आप जितने इंप्रूव करोगे उतना ही आपका बेनिफिट है, ठीक है। तो हर एक दिन सब्जेक्ट आप पहले वो सब्जेक्ट उठाओ जो आपने पहले दिन पढ़ा नहीं है, ठीक है, वो नहीं वो आप उठाओगे तो वो सब्जेक्ट आप एक घंटा पढ़ोगे, डेढ़ घंटा पढ़ोगे, चाहे कितने बोरिंग हो, डेढ़ घंटा पढ़ोगे तो एक टॉपिक कवर हो जाएगा, बेसिक 5 ना हो एक टॉपिक तो कवर हुआ है, तो इस प्रकार से कर दें। सर एक राहुल पाल जी हैं, तो उनका सवाल है देखो आपसे कि सर मेरे टेस्ट जो जब भी वो देते हैं तो उसमें सर मार्क्स कम आते हैं, नंबर कम आते हैं राहुल जी के, और बहुत सारे राहुल की नहीं बहुत सारों स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होगी कि मैंने टेस्ट दिया मेरे नंबर कम आ गए, देन उसके बाद में कभी मॉक टेस्ट या उसको अटेम्प्ट करने की इच्छा ही नहीं होती कि सर मैं सोचता हूँ कि मेरी जो कट ऑफ है वो तो 75-70 जाती है और मेरे तो इसमें 40 नंबर ही बन रहे हैं, देन उसके बाद में सर उन स्टूडेंट्स के बारे में कुछ बताइए कि भाई डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं यार अब टेस्ट नहीं देना, मेरे तो 100 में से 40 मार्क्स ही बन रहे हैं लेकिन इतने में तो सिलेक्शन नहीं होगा मेरा, सर उनके लिए कुछ बताइए आप। बिल्कुल, मैंने आपको जो अभी एक बताई थी कि असफलता एक चुनौती वो उन्हीं लोगों के लिए थी, ठीक है, आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट में आपके कम मार्क्स बने, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मॉक टेस्ट जो है मॉक टेस्ट में कम बनना या मॉक टेस्ट में ज्यादा बनना कहीं भी सिलेक्शन का पैरामीटर नहीं है, कि जिनके कम बन गए उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता और जिनके ज्यादा बन गए उनका डेफिनेटली सिलेक्शन है, ठीक है। कम बने हैं तो मॉक टेस्ट के बाद आप देखोगे कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, किस वजह से गलत हुए हैं, कहीं ना कहीं क्या होता है कि अपन कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो प्रॉपर वे में अपन क्लियर नहीं कर पाते, अधूरा नॉलेज जो होता है ना वो ही अपनी गलती का कारण बनता है, या तो अपने को उस टॉपिक की बिल्कुल पढ़ावा नहीं था, या अपने पढ़ा था लेकिन उसको अच्छे से क्लियर नहीं किया था, या फिर अपन ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे कि यार मेरा पढ़ावा है ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन मैं कर दूंगा, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, अपने को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। अगर अपना एक मॉक टेस्ट दिया, हो सकता है वो मॉक टेस्ट जो है वो इस तरीके से डिजाइन किया कि
बिल्कुल ही हार्ड हो, ठीक है, लेकिन एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी आएंगे, मॉडरेट भी आएंगे, उसमें हार्ड भी आएंगे। प्रैक्टिस के लिए हम मॉक टेस्ट देने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन कुछ चीज़ पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट से अपने क्लियर होता है, वही अपनी कमियों को दूर करता है। मॉक टेस्ट में कम नंबर आए निराश मत होइए, मॉक टेस्ट में कम आए बहुत अच्छी बात है, इसलिए कम आए हैं क्योंकि आपको ये सीखने को मिल जाएगा कि इसमें मेरे कमी कहाँ रह गई, मेरे को वो चीज़ें देखो आप कि मेरे कौन से टॉपिक में क्या कमी है, कौन से क्वेश्चन गलत हुआ, किस वजह से हुआ, उन टॉपिक को वापस से रिवाइज करो। मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी खुश मत होइए कि अपना आप उसमें आगे मेहनत करने छोड़ दे कि मेरे को तो सब कुछ आने लग गया, अब मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो उनके नंबर कम बन रहे हैं वो इंप्रूवमेंट करिए, और जिनके अच्छे बन रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं, लेकिन आगे भी उसी फ्लो में आप तैयारी को कंटिन्यू रखें, उस चीज को आप अपना अचीवमेंट मान के वहीं मत बैठ जाइए, ठीक है। तो बस ये टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है, निराश नहीं होना अपने को। सर एक सवाल विजेश जी का है, तो वो जानना चाह रहे हैं कि सर उनकी जो इंग्लिश है वो बहुत वीक है, तो बोलते हैं कि सर उसके लिए कुछ प्लान बताइए कि हम इंग्लिश अच्छे से पढ़ पाएं, समझ सकें। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, अब बैंक वगैरह है, फिर बहुत सारे एग्जाम में एसएससी इंग्लिश आती है, तो वो उसको यूं मान के चलते हैं कि भाई इंग्लिश को तो कमी करने हैं अपन, कमी अटेम्प्ट करने हैं, कि उनके विजेश जी की तरह और भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको इंग्लिश में दिक्कत आती है, तो सर उसके लिए कोई प्लान बता दीजिए बच्चों को कि ऐसे पढ़ा जाए या फिर समथिंग लाइक दैट। देखिए किसी भी सब्जेक्ट का कोई प्लान नहीं होता है कि मैं आपको ये बोल दूँ कि ये प्लान है इससे आप सफल हो जाए, कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। हर एक जो वीक है ना, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, जो वीक है उसको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करो, उसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करो, और आपको ये लग रहा है कि यार मैं तो बार बार ये चीज़ पढ़ रहा हूँ फिर भी मेरे से नहीं हो पा रही, ठीक है, ये तो मेरे से हो ही नहीं पा रही है, मैं बार बार पढ़ रहा हूँ उसके बाद भी मैं निराश हो गया, वैसे तो होता नहीं, अगर अपन बार बार उसको रिवाइज करेंगे, ज़्यादा टाइम देंगे तो क्लियर होती जाती है। लेकिन अगर फिर भी ऐसी कंडीशन आ रही है तो भैया इतना तो उसको करो कि अपने कट ऑफ क्लियर करनी है। मैंने आपको बताया कि 20 टॉपिक है मान लो इंग्लिश के, 20 में से सारे टफ नहीं होते, ठीक है, सारे टफ नहीं होते, जैसे क्लोज टेस्ट वगैरह हैं, 10 नंबर के क्लोज टेस्ट आते हैं, ठीक है, अगर आपने ओके बच्ची कर ली तो अपने क्लोज टेस्ट में से अगर 10 भी नहीं है तो 5 नंबर अपने वो इजी वे में आ सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ है, पैराग्राफ की आप प्रैक्टिस करो, पैराग्राफ में कोई बहुत ज्यादा है नहीं, मार्जिन नहीं है, पैराग्राफ में क्या होता है, पैराग्राफ सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। अगर आपकी ग्रामेटिकल पोर्शन अच्छा नहीं है तो आप पैराग्राफ वगैरह की प्रैक्टिस करो, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करो, 20 मार्क्स के हैं, ठीक है, 20 मार्क्स में से अगर आप 10 या 11 नंबर भी स्कोर कर पाते हो, क्योंकि 30 नंबर इंग्लिश के लिए 30 मिनट जो है वो इंग्लिश के लिए आपके लिए, जैसे आजकल फिक्स कर दिया है कि भाई इस सेशन में आपको इतना फिक्स टाइम मिलेगा, उसके बाद वो ना उससे पहले बंद होता ना उसके बाद वो खुलता, ठीक है, आपके पास 30 मिनट है, आपका ग्रामेटिकल पोर्शन जो है वो वीक था, आप उसमें टाइम मत खराब करो, आप जो जिस चीज की आप तैयारी करके हो कि भाई मेरे को 30 मिनट तो पैराग्राफ टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत सारे लोग पैराग्राफ में से क्या देखते हैं, जो अपोजिट जो विलोम शब्द और जो सिमिलर वर्ड आते हैं वही करते होते हैं, ठीक है, बाकी पैराग्राफ नहीं करते होते हैं, क्योंकि वो बाकी और चीजें कर लें, तो आप उस चीज को पैराग्राफ में करके क्लोज टेस्ट करके उन्हीं चीजों में उस टाइम को वहां यूटिलाइज करो, तो आप स्कोर कर सकते हो, कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगी और कट ऑफ से आप ऊपर भी हो। और वही मैंने आपको चीज बोली कि सबके चारों सब्जेक्ट सही मतलब कि अच्छे नहीं होते, 80% ऐसे होते हैं जिनका किसी न किसी का एक वीक है, ठीक है, तो वीक को इतना वीक मत रखो कि आप उसकी वजह से सिलेक्शन से दूर हो जाओ, उसको थोड़ा इंप्रूव करो और बाकी सब्जेक्ट जो है उनको इतना अच्छे से इंप्रूव करो कि उसकी जो वीकनेस है उसको वो पूर्ति कर दे, कहीं ना कहीं तो पूर्ति अपने को करनी ही पड़ेगी, मेहनत से तो अपन बच नहीं सकते। हाँ जी, तो देखो सर ने बताया कि भाई कोई भी किसी भी एक आपका सब्जेक्ट है तो उसके लिए स्पेसिफिक प्लान नहीं होता कोई, भाई हर एक चीज़ जो भी आपका वीक है ना उसको आप लोग अच्छे से ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करा करो, ज़्यादा तैयारी करा करो, जैसे इंग्लिश के बारे में भी सर ने कितनी सारी चीज़ें अभी आप लोगों को बताई, तो अभी और आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो आप लोग पुट करते रहिए लाइव चैट में, बताते रहिए कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है पढ़ने में, टाइमिंग वगैरह में या फिर पढ़ाई में कुछ भी हो रहा है आपका कि ये चीज़ें हमें पढ़ने नहीं देती भैया, उनके लिए क्या करें, जो भी आप लोगों से छोटी सी छोटी चीज़ें हैं वो चीज़ें आप लोग करते रहो, बताते रहो। बाकी सारी चीज़ें देखो अभी जितनी भी चीज़ें सर ने बोली हैं, तो मैं तो मेरा तो यही मानना है आज का कि आप हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ सीखा है आज के इंटरव्यू से सर से, और बहुत ही अच्छा आप लोग यहाँ से एक नॉलेज और एक एक्सपीरियंस लेके जाओगे कि सर हमें भी फुल मोटिवेट होके जाओगे कि सर हमें भी अपनी लाइफ में ये करना है, आपने इतने सारे मुकाम हासिल करें, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी हमारी तैयारी को फुल रखेंगे, रिवीजन करेंगे टाइम टू टाइम, अच्छी अच्छी क्लासे अटेंड करेंगे, अच्छे से अपना नॉलेज इम्प्रूव करेंगे, और जो भी एग्ज़ाम हो ना आपका इस टाइम का, तो बस एक काम करना है, उस एग्ज़ाम को पूरा फोकस, दिमाग को पूरा कंसंट्रेट करके बाकी चीज़ें भूल जाइए, सिर्फ वो एग्ज़ाम
एग्जाम मुझे क्लियर करना है, मैं और मेरी गवर्नमेंट जॉब, ऐसे दिमाग में सोच लीजिए। और वो जो प्राउड मोमेंट है सर ने बताया, वो मम्मी पापा के सामने आप लोग जाओगे कि मेरा पेपर क्लियर हो गया, मैं इसमें निकल गया, सिलेक्शन हो गया मेरा, तो वो फील करना है आप लोगों को। अच्छे से अपनी मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, और हमारा पूरा चैनल, हमारी पूरी टीम, जो भी हमसे बनेगा, जो भी हमसे होता है, हम आपके लिए करेंगे, बेस्ट चीज़ें आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। और जब भी आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, आपको मोटिवेट करेंगे। सबसे बड़ा मोटिवेशन इंसान खुद के मन से मोटिवेशन आता है। जिस दिन अंदर वाली आग लगने लग जाएगी ना, ये मोटिवेशन, उस दिन सब हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी है भाई, हम लोगों ने आपके लिए, आपने टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। का उस गोल को अचीव करने के लिए सब कुछ त्याग दीजिए, आप तो सब कुछ त्याग दीजिए, वो गोल अपने आप आपका अचीव होएगा। और जब भी आप निराश हो, अपने माता पिता की फोटो जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ सामने लगाइए, उनसे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। रही बात कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन के लिए ही है कि रूटीन बनाओ, जब हैबिट बन जाती है कंसंट्रेशन भी बनेगा, एग्जाम में भी कंसंट्रेशन बिल्कुल बनेगा। एग्जाम में उलझना नहीं है, एग्जाम को अच्छे तरीके से अपने को क्लियर करना है, पढ़ाई के साथ एग्जाम भी देती है, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हो, अपने माता पिता का सपना पूरा करो, और बिल्कुल आपसे उसके बाद दोबारा मुलाकात होती रहेगी। और मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीक से मैं आपके लिए वीकेंड पे क्लास लेता हूं। थैंक यू सो मच। ओके।